जैन साथियों, मैं दलवीर सिंह सत्यम लाइव पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जिस वीडियो में जिस महान योद्धा की, महारथी की चर्चा करने वाले हैं, वो हैं पृथ्वीराज चौहान। हमने अभी तक चौहान वंश के दो वीडियो बनाए थे, दो सेशंस थे हमारे। पहला जो सेशन था उसमें हमने शाकंभरी के चौहान लिए थे, दूसरा जो ये सेशन था उसमें हमने अजमेर के चौहानों के बारे में पढ़ा। और ये अजमेर के चौहानों का वैसे भाग तीन है, भाग दो है, लेकिन चौहान वंश का ये भाग तीन है, तो इसी आधार पर हमने इसकी रैंकिंग की है। और अब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था शासक सोमेश्वर के बारे में, और अब सोमेश्वर के पुत्र और महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान। तो हम जिनके बारे में चर्चा करने वाले हैं वो हैं पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को, क्योंकि इनके पहले दो और पृथ्वीराज चौहान वंश में हो चुके थे, यानी शाकंभरी और अजमेर के चौहान दोनों को मिलाकर के दो और पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश में हो चुके थे, इसलिए इनका जो नंबर है वो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासनकाल है 1177 से लेकर 1192 तक। तो 1177 से लेकर 1192 तक अजमेर की गद्दी को जिस महारथी ने सुशोभित किया वो थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पहले मैं कुछ प्रारंभिक जीवन के बारे में बताऊं। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम था सोमेश्वर। तो पृथ्वीराज चौहान के पिता थे सोमेश्वर चौहान, जो पृथ्वीराज चौहान से पूर्व चौहान वंश के शासक थे। इनकी माता का नाम था कर्पूर देवी। तो पिता तो हैं सोमेश्वर चौहान और माता का नाम है कर्पूर देवी। कर्पूर देवी जो हैं ये दिल्ली का उस समय प्राचीन नाम हुआ करता था ढिल्लिका। तो ये दिल्ली या ढिल्लिका के शासक अनंगपाल तोमर की पुत्री थी। तो कर्पूर देवी जो हैं ये दिल्ली के शासक या ढिल्लिका के शासक अनंगपाल तोमर की पुत्री थी कर्पूर देवी। और पृथ्वीराज चौहान का जन्म ये हुआ था 1166 ईस्वी में। 1166 ईस्वी में पिता सोमेश्वर चौहान और माता कर्पूर देवी से इनका जन्म हुआ था, ये पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान का जन्म स्थान, क्योंकि इनका जन्म स्थान अजमेर नहीं था, इसलिए हमारी परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो महान शासक है, लोकप्रिय शासक है, और दूसरा इनका जन्म जो है वो राजस्थान से बाहर हुआ था। तो इनका जो जन्म स्थान है वो है अनहिलवाड़ा। अनहिलवाड़ा को ही कई जगह पर बोला जाता है अनहिल पाटन, या इस अनहिल पाटन को शॉर्ट करके बोल देते हैं पाटन। तो पृथ्वीराज चौहान का जन्म अनहिलवाड़ा, अनहिल पाटन या पाटन में हुआ था। और ये अनहिलवाड़ा जो है ये गुजरात के सोलंकी वंश की राजधानी थी। ये राजधानी थी गुजरात के सोलंकी वंश की। ये हम जानते हैं कि चौहानों और गुजरात के सोलंकी शासकों की पारंपरिक शत्रुता थी, और उस पारंपरिक शत्रुता का जो कारण था वो था आबू और मारवाड़ का हिस्सा। आबू और मारवाड़ पर गुजरात भी अधिकार करना चाहता है और अजमेर के चौहान भी अधिकार करना चाहते हैं। तो इनका जन्म गुजरात में हुआ। क्यों हुआ? उसके पीछे कारण यह था कि सोमेश्वर चौहान जो हैं वो शासक बनने से पूर्व कुछ समय के लिए गुजरात के सोलंकी शासकों के पास एक मंत्री के रूप में रहे थे, अपने पिता से नाराज होकर के। तो क्योंकि सोमेश्वर चौहान और कर्पूर देवी दोनों ही उस समय गुजरात के सोलंकी वंश के यहां पर रहा करते थे, इसीलिए सोमेश्वर चौहान जो हैं जब वहां पे थे तो वहीं पर कर्पूर देवी के गर्भ से पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ 1166 में। अब पृथ्वीराज चौहान के जन्म के बाद जब वो मात्र 10 वर्ष के थे तो इनके पिता की मृत्यु हुई 1177 में। हम ये पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि सोमेश्वर चौहान जो हैं वो आबू के शासक को बचाने के लिए गए थे, क्योंकि आबू पर गुजरात का आक्रमण हुआ था। तो वहीं पर गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय के विरुद्ध युद्ध करते हुए 1177 में पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान की मृत्यु हुई। तो सोमेश्वर चौहान की मृत्यु के पीछे जो कारण था वो क्या था? गुजरात के शासक मूलराज सेकंड के विरुद्ध युद्ध में सोमेश्वर चौहान की मृत्यु हुई थी 1177 में।
तो जिस समय सोमेश्वर चौहान की मृत्यु हुई, जन्म है 1166 पृथ्वीराज चौहान का, और 1177 में सोमेश्वर की मृत्यु हुई, यानी शासक बनने के समय पृथ्वीराज चौहान मात्र 10 वर्ष का बालक था। अब यह सबसे बड़ी बात है कि उस 10 वर्ष के बालक ने कितनी तल्लीनता से, कितनी गंभीरता से इस पूरे के पूरे के शासन को अंजाम दिया। ऐसा बालक जिसके चारों तरफ शत्रु थे, उसके बाद भी उस बालक ने अपनी चतुराई से, अपने कौशल से, अपनी युद्ध नीति से पूरे के पूरे पश्चिमी भारत को जीता, और ना केवल जीता बल्कि तुर्क आक्रमणों से भारत की रक्षा करने के प्रयास भी किए। तो उन्हीं पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम यहां पर पढ़ रहे हैं। तो क्योंकि 1166 में जन्म के बाद मात्र 10 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज चौहान जो है वो शासक बने, तो ऐसे में उनकी मां कर्पूर देवी ने, क्योंकि उनका जो पुत्र है वो बालक है, उनकी मां कर्पूर देवी ने पूरा शासन कार्य अपने हाथ में ले रखा था, और कर्पूर देवी संरक्षिका के रूप में शासन कर रही थी। तो ये तो इनका प्रारंभिक जीवन। इसके बाद 1177 में ये बने, पृथ्वीराज चौहान शासक बने, तो उस समय इनकी आयु थी मात्र 11 वर्ष, 10 वर्ष। तो ये 10 वर्ष की आयु में शासक बने, क्योंकि बालक है शासन करने वाला, इसीलिए इनकी संरक्षिका बनी इनकी मां, जिसका नाम था कर्पूर देवी। ये थी इनकी माता। तो कर्पूर देवी अकेले शासन कार्य को नहीं संभाल सकती थी, इसीलिए कर्पूर देवी ने एक परिषद का गठन किया, जिस परिषद में कुल 3 लोग थे। अब यह संरक्षक परिषद जो थी उसका कार्य पूरे शासन कार्यों का संचालन था। तो इस संरक्षक परिषद की जो हेड थी, जो प्रमुख थी, वो तो थी कर्पूर देवी, और दूसरे थे इस परिषद में मंत्री। मंत्री का नाम आता है कैमास, या कई जगह पर इसका नाम आता है कैलाश, या कहीं पर नाम आता है कदंबवास। तो यहां पर जो संरक्षक परिषद बनी है, उस संरक्षक परिषद की अध्यक्ष तो खुद कर्पूरी देवी है, उसकी मंत्री है कौन? कैमाश, कैलाश या कदंबवास। और इसी संरक्षक परिषद में एक सेनापति भी है जिसका नाम था भुवन मल्ल। तो कर्पूर देवी, कैमास और सेनापति भुवन मल्ल, इन तीनों की संरक्षक परिषद पृथ्वीराज चौहान के बाल्यावस्था में शासक बनने के कारण एक संरक्षक परिषद के रूप में शासन कार्यों का संचालन कर रही थी। पृथ्वीराज चौहान इन तीनों की सहायता से, यानी कर्पूर देवी, कैमास और भुवन मल्ल की सहायता से अपने शासन कार्यों को अंजाम दे रहे थे। लेकिन मात्र 11 वर्ष की आयु में ही, यानी 1 साल तक उस बालक ने प्रशिक्षण लिया इन तीनों से, और मात्र 11 वर्ष की आयु में उस बालक ने पूरे के पूरे शासन को संभाल लिया। अब मैं आपको मानचित्र के माध्यम से समझाता हूं कि जिस समय 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज चौहान शासन कार्यों को अपने हाथ में लेते हैं, यानी 10 वर्ष की आयु में शासक बने तो सही, लेकिन शासन कार्य कर्पूर देवी, कैमास और भुवन मल के पास था, और 11 वर्ष की आयु में इस बालक ने पूरा का पूरा शासन कार्य अपने हाथों में ले लिया। तो वो जो शासन कार्य जब लिया, तो उस समय पूरा अजमेर का साम्राज्य बहुत सारे दुश्मनों से घिरा हुआ था। तो वो मानचित्र के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं कि उस समय तत्कालीन भारत की परिस्थितियां किस प्रकार की थी। जैसे अगर हम बात करें राजस्थान की, तो हम अभी जो अध्ययन कर रहे हैं वो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय अजमेर के शासन की जो स्थिति थी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये राजस्थान का मानचित्र। इस राजस्थान के मानचित्र से हम समझते हैं कि उस समय तत्कालीन राजस्थान में परिस्थितियां किस प्रकार की थी। तो इस समय जो स्थिति थी, इसमें ये वाला भाग है अजमेर का साम्राज्य पूरा, दूसरा इस जगह पर इनकी दूसरी राजधानी बनने वाली थी दिल्ली। तो पहला तो अजमेर का राज्य है,
दूसरा इनकी राजधानी थी अजमेर। तो ये अजमेर और दिल्ली दो इनकी राजधानियां थीं। इसके अलावा एक जिससे परंपरागत शत्रुता हमेशा चल रही थी वो था गुजरात। दूसरा ये वाला जो भाग था दिल्ली के इधर आसपास वाला, ये गुड़गांव, यहां पर थे नागार्जुन। इस भाग में थे भंडानक, इस भाग में था गहड़वाल वंश। दूसरा ये वाला जो भाग था यहां पर थे चंदेल। और दूसरा इस तरफ का जो भाग है यहां है गजनी। तो इस समय ये जो भाग है अजमेर का या पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य वो बहुत सारे दुश्मनों से घिरा हुआ है। उसमें एक तरफ गुजरात है, दूसरी तरफ चंदेल है, भंडानक है, गहड़वाल है, ये नागार्जुन है। अब इसमें कुछ राज्य जो है वो पृथ्वीराज चौहान के सहायक भी थे, जैसे इनमें एक सहायक राज्य जो है वो यहां पर था मेवाड़। मेवाड़ इस समय अजमेर का सहायक राज्य था। कारण इसके पीछे ये कि मेवाड़ के शासक समर सिंह की पत्नी पृथ्वीराज चौहान की बुआ लगती थी, तो दोनों आपस में रिश्तेदारी थी। तो अजमेर और मेवाड़ दोनों रिश्तेदारी बंधे हुए थे, इसलिए मेवाड़ ने अजमेर का साथ दिया था। लेकिन ये नागार्जुन, भंडानक, गहड़वाल, इन गहड़वालों की राजधानी हुआ करती थी कन्नौज। ये चौहानों के दुश्मन है, ये दिल्ली। चंदेलों की राजधानी थी महोबा। इनके साथ भी पृथ्वीराज चौहान की दुश्मनी है। गुजरात की राजधानी थी अनहिलवाड़ा। इनके साथ भी पृथ्वीराज चौहान की दुश्मनी है। अब किस प्रकार से इस शासक ने, पहले तो समकालीन कौन कौन थे इनके शासक, और दूसरा किस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान इन सारे के सारे शासकों से बाहर निकल के आते हैं। ये जो गजनी राजधानी थी यहां पर इस समय शासक था मोहम्मद गौरी। ये अनहिलवाड़ा जो हमने लिखा हुआ है, इस अनहिलवाड़ा का शासक था इस समय भीम द्वितीय, जो सोलंकी वंश का शासन था। महोबा का जो भाग है यहां पर शासक था परमर्दी देव। ये है मेवाड़ का शासक, इनका समकालीन, इनका सहयोगी था। यहां शासक था समर सिंह। गहड़वाल वंश का शासक जो है उनके साथ इनकी दुश्मनी थोड़ी लंबी चली है। यहां पर शासक था जयचंद। ये और दिल्ली में, क्योंकि इनकी माता कर्पूरी देवी दिल्ली की रहने वासी थी और दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर की मृत्यु थी, वो बहन बेटी थी, इसलिए अजमेर का दिल्ली के साथ गठबंधन था। वो किस प्रकार से आगे बढ़ा वो मैं आपको बताऊंगा। मेवाड़ के शासक समर सिंह जो है वो अजमेर के चौहानों के मित्र थे, संबंधी थे। इसके अलावा बाकी चारों तरफ इनके दुश्मन ही दुश्मन बैठे हुए थे। पृथ्वीराज चौहान ने मात्र 11 वर्ष की आयु में एक एक करके इन सभी समस्याओं को दूर करना शुरू किया। और सबसे पहले जिस समस्या को उन्होंने दूर किया वो समस्या थी नागार्जुन की समस्या। नागार्जुन बेसिकली इनका चचेरा भाई था। पहले मैं आपको एक कहानी के माध्यम से, एक फैक्ट्स के माध्यम से आपको बता रहा हूं, फिर मैं आपको इस प्रकार से इसमें चलूंगा लेके कि आप उसमें आराम से नोट्स बना सकें। तो सबसे पहले तो ये कि नागार्जुन के साथ जब युद्ध हुआ, नागार्जुन इनका चचेरा भाई है, नागार्जुन के साथ में पृथ्वीराज चौहान का जो युद्ध हुआ वो था 1178 में। उस युद्ध का नाम है गुड़गांव का युद्ध। तो नागार्जुन के साथ 1178 में गुड़गांव का युद्ध हुआ, क्योंकि ये चचेरा भाई था, इसीलिए ये चौहानों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकता था। तो गुड़गांव के युद्ध में नागार्जुन को पृथ्वीराज चौहान ने हरा के मार दिया और नागार्जुन की समस्या का अंत हुआ। अब अजमेर की सीमा पर ये जो पूर्वी भाग है जिसमें वर्तमान में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और ये उत्तर प्रदेश का मथुरा है, इस भाग में इस समय भंडानक नाम की जाति जो है वो शासन कर रही थी। भंडानक जाति मूल रूप से पंजाब की रहने वाली थी और वर्तमान में वो यहां पर अपना शासन स्थापित करने के प्रयास कर रही थी। और शासन स्थापित करने के लिए वो बार बार दिल्ली और अजमेर के इन हिस्सों पर आक्रमण करती थी। इसीलिए गुड़गांव के युद्ध में नागार्जुन को परास्त करने के बाद
अगला जो टारगेट है वो पृथ्वीराज चौहान ने बनाया भंडानकों को, और तुरंत अगला जो आक्रमण है वो भंडानकों पर किया गया। भंडानकों पर जो आक्रमण था वो हुआ था 1182 में। 1182 में भंडानक जाति को इन्होंने हरा करके वहां से खत्म कर दिया। अब जैसे ही भंडानकों को इन्होंने वहां से हटाया, अब इसके बाद अजमेर की सीमा सीधे आके लग गई कहां? गहड़वाल वंश के साथ। और गहड़वाल वंश का शासक कौन था? जयचंद। तो गहड़वाल वंश के शासक जयचंद और अजमेर की सीमाएं आपस में आके टकरा गई। ये हुआ जिस समय अजमेर और दिल्ली की सेना भंडानकों को हरा करके वापस अजमेर की तरफ आ रही थी, तभी चंदेल शासक परमर्दी देव की सेना ने अजमेर के सैनिकों पर आक्रमण किया। और उस आक्रमण में, जो बेवजह आक्रमण हुआ था, उस आक्रमण में बहुत से अजमेर के शासक जो सैनिकों को जो है उन्होंने तड़पा तड़पा के मारा। जब इस बात का पृथ्वीराज चौहान को पता चला तो पृथ्वीराज चौहान ने परमर्दी देव से बोला कि आपने जो किया वो गलत किया, इसके लिए माफी मांगी। परमर्दी देव ने माफी मांगने से कर दिया इनकार। इसीलिए परमर्दी देव के विरुद्ध 1182 में अगला आक्रमण हुआ, और यहां पर चंदेलों के साथ में तुमुल का युद्ध हुआ। तो चंदेलों के साथ जो युद्ध हुआ वो था तुमुल का युद्ध। तुमुल के युद्ध में इन्होंने, यानी पृथ्वीराज चौहान ने परमर्दी देव को हरा दिया। ये तुमुल जो है वो वर्तमान में मध्य प्रदेश में ही है, ये महोबा नाम का स्थान है, उस स्थान के पास में ही है। इस युद्ध में परमर्दी देव के दो विख्यात सेनानायक भी थे, आला और उदल। आला और उदल दोनों जो हैं वो फिलहाल, यानी जिस समय युद्ध हो रहा था उस समय वो परमर्दी देव के विरुद्ध चल रहे थे, क्योंकि परमर्दी देव ने उनके एक भतीजे का अपहरण करवा दिया, इसका नाम था इंदल। तो परमर्दी देव द्वारा, क्योंकि इंदल का अपहरण करवाया गया था, इसीलिए ये परमर्दी देव से नाराज थे, आला और उदल। लेकिन जब समस्या आई अपनी राज्य पर, अपने वतन पर, अपनी मातृभूमि पर, तो आला और उदल जो है वो परमर्दी देव के रिक्वेस्ट पर वापस आते हैं और युद्ध लड़ते हैं। परमर्दी देव के ये दोनों सेनापति आला और उदल, इन्होंने इस प्रकार युद्ध लड़ा कि एक बार तो अजमेर की सेना जो है विचलित हो गई, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की संगठन शक्ति की वजह से अजमेर की सेना को दोबारा उन्होंने एकत्रित किया, और अंत में परमर्दी देव की सेना इस युद्ध में पराजित हुई। लेकिन उस भयंकर युद्ध में आला और उदल दोनों जो हैं वो लड़ते हुए शहीद हो गए। आला और उदल का ये जो भाग है, इस भाग को मध्य प्रदेश का भाग ये, इसको बोला जाता है बुंदेलखंड। यदि आप कभी बुंदेलखंड जाएं या बुंदेलखंड के निवासी से बात करें तो उसने आला और उदल का नाम बहुत अच्छे से सुना है। बुंदेलखंडी भाषा में एक कविता लिखी गई है, एक पूरा खंडकाव्य है जिसका नाम है आला खंड। उस आला खंड में इस पूरे के पूरी कहानी का वर्णन मिलता है। आलाखंड के लेखक है जगनिक, मैं आपको आगे लिखा दूंगा उस बात को। तो जगनिक ने आलाखंड नामक पुस्तक में इस पूरे के पूरे युद्ध का वर्णन किया है। आलाखंड में यह बताया गया है कि किस प्रकार उन दोनों वीरों ने अजमेर की सेना का सामना किया। तो ये बुंदेलखंड वाले हिस्से के लिए गौरव की बात थी। फिर अगली समस्या आ रही थी अनिलवाड़ा के शासक सोलंकी शासक की तरफ से। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि गुजरात और अजमेर की परंपरागत शत्रुता रही, उसके पीछे कारण यहां पर माउंट आबू और मारवाड़ का हिस्सा था। तो ये जो भाग है माउंट आबू वाला, उस समय आबू में परमार वंश का शासन था। परमार वंश की जो राजा था उसका नाम था जैत्र सिंह, और जैत सिंह की एक अति सुंदर पुत्री थी जिसका नाम था इच्छिनी। तो ये भीम सेकंड और अजमेर का शासक पृथ्वीराज चौहान, ये दोनों ही इच्छिनी से शादी करना चाहते थे। अब उसमें कहा यह जाता है कि इच्छिनी पसंद करती थी पृथ्वीराज चौहान को, लेकिन भीम सेकंड ज्यादा मरा जा रहा था शादी करने के लिए। तो भीम सेकंड ने आबू पर आक्रमण किया इस बात के लिए कि इच्छिनी से उसकी शादी कर, लेकिन जैत सिंह की बेटी इच्छिनी भीम सिंह से शादी नहीं करना चाहती थी। इच्छिनी और उसका पिता बार बार उससे मना कर रहे थे, भाई हम तेरे को पसंद नहीं करते, तू मान जा, पर वो भीम सिंह नहीं मान रहा था। तो इच्छिनी की ओर से अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान के पास एक पत्र भेजा गया, और उसमें उसने कहा कि ये हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है और हमारी इच्छा के विरुद्ध ये आक्रमण बार बार करके और शादी करना चाहता है सैनिक दबाव बना करके। तो इच्छिनी की प्रार्थना पर पृथ्वीराज चौहान ने आबू पर आक्रमण किया, और उस आक्रमण में इन्होंने भीम सेकंड को पराजित किया। भीम सेकंड के साथ जो युद्ध है ये युद्ध हुआ था 1184 में, जिसको बोलते हैं नागौर का युद्ध। नागौर राजस्थान का ये भाग।
तो यहां पर 1184 में नागौर का युद्ध हुआ गुजरात के साथ। इस युद्ध में भी पृथ्वीराज चौहान ने अनिलवाड़ा के शासक भीम सेकंड को पराजित किया। अब इस समय जो इनकी ज्यादा प्रसिद्धि ये तो है जो लोकल संकट थे जिनसे पृथ्वीराज चौहान एक एक करके बाहर निकले थे, लेकिन सबसे बड़ा जो संकट उनके सामने आने वाला था वो था गैडवाल वंश की तरफ से और दूसरा गजनी के शासक मोहम्मद गौरी की तरफ से। अगर हम राजस्थान के थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएं, ये वाला जो भाग है जहां पर वर्तमान में पंजाब और इस तरफ ये हरियाणा राज्य है, तो इस समय पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान का लगभग ये पूरा का पूरा भाग अजमेर के साम्राज्य का हिस्सा था। और पंजाब में एक जगह है जिसका नाम है सरहिंद। तो वर्तमान में इस स्थान का नाम है सरहिंद और बाद में उस समय उसका नाम हुआ करता था तबरहिंद। तो वर्तमान में तो स्थान को बोलते हैं सरहिंद, पहले कभी इसका नाम हुआ करता था तबरहिंद। तो गजनी का शासक मोहम्मद गौरी, इसने सबसे पहला जो आक्रमण भारत पर किया वो किया गया था 1175 में, और 1175 में इसने वर्तमान पाकिस्तान में स्थित मुल्तान को जीत लिया था। मुल्तान को जीतने के साथ ही ये वाला भाग था मुल्तान का जो फिलहाल पाकिस्तान वाले हिस्से में, उस मुल्तान को जीतने के साथ ही पृथ्वीराज चौहान और गजनी का शासक मोहम्मद गौरी दोनों पड़ोसी राज्य हो गए। अब सरहिंद या तबरहिंद में गजनी के शासक मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान दोनों की सीमाएं आपस में टकरा रही थी। इसके बाद उसको लगता था कि यह थोड़ा सा भयंकर शत्रु हो सकता है। अब मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करना चाह रहा है, पहला आक्रमण उसका 1175 में मुल्तान पर हो चुका है। मोहम्मद गौरी भारत में आया था साम्राज्य स्थापना के लिए, और साम्राज्य स्थापना के लिए उसने आक्रमण किया इधर गुजरात पे। तो पहला आक्रमण हुआ इधर मुल्तान पे, दूसरा आक्रमण हुआ 1178 में गुजरात पे। गुजरात का शासक भीम सेकंड उस समय बच्चा ही था, और उस भीम सेकंड की मां थी नायकी देवी। तो ये जब युद्ध हुआ उस समय भीम द्वितीय की मां नायकी देवी गुजरात में संरक्षिका के रूप में शासन कर रही थी, क्योंकि उनके पति मूलराज द्वितीय की जल्दी मृत्यु हो गई थी। इसीलिए जब यह आक्रमण हुआ तो यह आबू के पास में आक्रमण हुआ था, तो 1178 में इसको बोलते हैं आबू का युद्ध। आबू के युद्ध में गुजरात की सेना ने, जिनकी सेनापति स्वयं नायकी देवी थी जो भीम सेकंड की माता थी, तो भीम सेकंड की माता नायकी देवी ने 1178 में गजनी की सेना को, जो मोहम्मद गौरी की सेना थी, उसको कर दिया पराजित। तो गजनी की सेना आबू के युद्ध में 1178 में गुजरात से पराजित हुई। अब इसके बाद उसको लगा कि गुजरात से भारत में एंट्री करने का रास्ता आसान नहीं है, तो इसीलिए उसने फिर इसी रास्ते को चुना, और 1191 में और फिर 1192 में लगातार आक्रमण किए सरहिंद पर, और इसके आगे बढ़कर तराइन में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लगातार दो युद्ध हुए थे। इनके बारे में चर्चा हम आगे करेंगे। अब इसमें गैडवाल शासक जयचंद जो है और पृथ्वीराज चौहान दोनों आपस में भाई थे, मौसेरे भाई। वो कैसे? दिल्ली का शासक है अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर की दो पुत्रियां थीं। पहली पुत्री का नाम था कर्पूरी देवी, जिसकी शादी पृथ्वीराज चौहान के पिताजी सोमेश्वर के साथ में हुई थी, और दूसरी जो लड़की थी उसका नाम था सुंदरी देवी। सुंदरी देवी का विवाह जयचंद के पिता विजयपाल के साथ हुआ था, या विजयचंद्र के साथ हुआ था। तो विजयचंद्र और सोमेश्वर, यानी कन्नौज का शासक विजयचंद्र और अजमेर का शासक सोमेश्वर, दोनों साढ़ू भाई थे। यानी दोनों की जो पत्नियां हैं कर्पूरी देवी और सुंदरी देवी, दोनों आपस में सगी बहनें थीं। तो कर्पूरी देवी और सुंदरी देवी के पिताजी थे दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर। लेकिन क्योंकि अजमेर जो है वो दिल्ली पर पहले अधिकार कर चुका था 1163 में ही बीसल देव के समय, तो अनंगपाल तोमर जो है वो दिल्ली के अधीनस्थ शासक थे। इसीलिए अनंगपाल तोमर ने अपना उत्तराधिकारी बनाया अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान को। कारण इसके पीछे ये कि दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर का स्वयं का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने नमासे को, जो पृथ्वीराज चौहान थे, उनको दिल्ली का शासक नियुक्त किया। तो जयचंद ने यह बोला कि भाई नाना जी, तुम्हारा जो रिश्ता है वो मेरे से और पृथ्वीराज से दोनों से बराबर का है,
तो पृथ्वीराज को ज्यादा क्यों दिया? यानी अगर आप ऐसा करोगे दिल्ली के दो हिस्से कर दो, एक हिस्सा दो पृथ्वीराज को, एक हिस्सा दो जयचंद को, तो उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन आपने तो पूरी दिल्ली ही अजमेर को दे दी या पृथ्वीराज चौहान को दे दी। इस बात से जयचंद पृथ्वीराज चौहान से चिड़ा हुआ था और उस पर कोड में खुजली ये हो गई कि पृथ्वीराज चौहान जयचंद की पुत्री संयोगिता से प्रेम करते थे। अब ऐसे रिश्ते में तो उनकी बेटी लगी, पर प्रेम तो प्रेम हो गया। तो जयचंद और संयोगिता दोनों आपस में एक दूसरे को प्रेम करते थे। जब जयचंद को इस बात का पता चला तो जयचंद ने ऑब्जेक्शन किया कि मैं तो क्यों शादी करूं, एक तो चढ़ा हुआ था वो पहला रीजन, और दूसरा रिश्तेदार थे दोनों। तो इसीलिए जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने से इनकार कर दिया। तो पृथ्वीराज चौहान जो है वो संयोगिता के निमंत्रण पर कन्नौज आते हैं और पृथ्वीराज चौहान को वहां, वो संयोगिता को वहां से भगा के ले जाते हैं। इस बात से जयचंद पृथ्वीराज चौहान से चिड़ा हुआ था। तो पृथ्वीराज चौहान की दुश्मनी बेसिकली ज्यादा जो रही वो गढ़वाल शासक जयचंद के साथ, दूसरा चंदेल शासक परमर्दिदेव, और तीसरा गुजरात का शासक ये भीम सेकंड, और सबसे भयंकर शत्रु साबित हुआ इनमें गजनी का शासक मोहम्मद गौरी, जिसका उद्देश्य भारत में लूटपाट करना नहीं था। इसके पहले जो आक्रमणकारी आया था महमूद गजनवी, वो भारत में केवल लूटपाट करने के लिए आया था। यानी उसके आने का उद्देश्य केवल क्या था कि वो आए लूटपाट करे, यहां से माल खजाना लूटे और चला जाए। लेकिन मोहम्मद गौरी भारत में आता है साम्राज्य की स्थापना के लिए। तो मोहम्मद गौरी भारत में साम्राज्य बनाने आया था, केवल लूटपाट करने नहीं आया था। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि अंत में पृथ्वीराज चौहान और इसके बीच में मोहम्मद गौरी के बीच में दो लगातार भयंकर युद्ध हुए और उन युद्धों में अंत में पृथ्वीराज चौहान लड़ते हुए शहीद हुए। तो ये प्रारंभिक कहानी पृथ्वीराज चौहान की। अब हम एक एक करके इन सभी शत्रुओं की तरफ चलते हैं। अब मैं जो आपको बता रहा हूं वो आपको एक एक करके सब लिखना है और उसके नोट्स बनाने हैं। जैसे सबसे पहला जो आक्रमण है वो हुआ नागार्जुन के लिए। तो पहला पॉइंट ये, सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान के समक्ष चुनौतियां। अभी हमने मानचित्र के माध्यम से वो सारी की सारी चुनौतियों के बारे में पढ़ा जो पृथ्वीराज चौहान ने अपनी छोटी सी एज में ली या उनको मिली थी। मात्र 10 वर्ष की आयु में वो बालक शासक बना और 11 वर्ष की आयु में, यानी केवल एक साल का वो टाइम ऐसा था जब उनकी माता ने, प्रधानमंत्री कैमास ने और सेनापति भुवन मल्ल ने संरक्षक परिषद के रूप में उनका साथ दिया था। 11 वर्ष की आयु के बाद स्वयं ये पृथ्वीराज चौहान जो है वो शासन करने में सिद्धस्त हुए और धीरे धीरे करके उन्होंने चौहान साम्राज्य के समक्ष जो चुनौतियां थी उन सभी चुनौतियों को पूरा किया। तो मानचित्र के माध्यम से हमने समझा कि किस प्रकार से साम्राज्य के चारों तरफ दुश्मन या वो चुनौतियां थी। तो एक एक करके हम जो चुनौतियों को पढ़ रहे हैं उनमें सबसे पहली चुनौती है नागार्जुन। तो ये है पृथ्वीराज चौहान के समक्ष चुनौतियां। तो ये आप लिखते जाइए साथ साथ में, पृथ्वीराज चौहान के समक्ष चुनौतियां। इन चुनौतियों में सबसे पहली जो चुनौती प्रस्तुत की वो थी पृथ्वीराज चौहान के चचेरे भाई नागार्जुन ने। पृथ्वीराज चौहान का चाचा अपर गांगे और ये चचेरा भाई नागार्जुन, ये दोनों ही पृथ्वीराज चौहान को शासक मानने को तैयार नहीं थे। और दिल्ली के आसपास का जो भाग था जहां पर वर्तमान में गुड़गांव और फरीदाबाद ये वाले जिले, ये नागार्जुन का शासक बना हुआ था और चौहान साम्राज्य को जो पृथ्वीराज चौहान के अधिकार में था उसको लगातार जो है वो आक्रमण करके चुनौतियां दे रहा था। तो सबसे पहली चुनौती दी नागार्जुन ने। नागार्जुन था पृथ्वीराज का चचेरा भाई। तो ये पृथ्वीराज चौहान का चचेरा भाई था जिसने पृथ्वीराज चौहान की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया। इसलिए पृथ्वीराज चौहान को सेना भेज करके नागार्जुन के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करना पड़ा। इन दोनों के मध्य जो संघर्ष हुआ था उसको बोलते हैं गुड़गांव का युद्ध। गुड़गांव को वर्तमान में हम जानते हैं नया नाम रख दिया गया है हरियाणा सरकार द्वारा और अब ये हो गया गुरुग्राम। वैसे गुड़गांव की कहानी कुछ ऐसी है कि ये वास्तव में गुरुग्राम ही था। पांडवों ने और कौरवों ने के जो गुरु थे हम जानते हैं कि वो गुरु द्रोणाचार्य थे। तो धृतराष्ट्र द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को उनकी सेवाओं के बदले में ये वाला जो हिस्सा है जहां पर आज गुड़गांव या गुरुग्राम नाम का जिला है वो भाग दिया गया था। तो इसीलिए इसको बोलते थे गुरुग्राम। तो गुरुग्राम का अर्थ क्या था? गुरु द्रोणाचार्य को धृतराष्ट्र द्वारा दी गई
जमीन जो दान में दी गई थी। तो ये गुरुग्राम था, बाद में इसका नाम गुड़गांव हो गया और अभी वर्तमान में इसका नाम फिर से कर दिया गया है गुरुग्राम। तो यहां पर गुड़गांव का युद्ध, ये युद्ध हुआ था 1182 में और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने नागार्जुन को पराजित किया। नागार्जुन पराजित हुआ और उसके बाद पूरी तरह से दिल्ली और अजमेर का जो भाग था वो चौहानों के साम्राज्य के अधीन आ गया। यानी अब परिवार के द्वारा जो चुनौतियां थी या जो सत्ता के समक्ष विवाद खड़े किए जा रहे थे वो सभी गुड़गांव के युद्ध द्वारा समाप्त हुए, नागार्जुन खत्म हो गया। फिर इसके बाद दूसरा जो समस्या थी वो मैंने आपको बताई थी, वो थी भंडानक। तो दूसरी समस्या थी भंडानकों की, सॉरी ये गुड़गांव का जो युद्ध है ये 1178 में, तो 1178 है गुड़गांव का युद्ध। दूसरी चुनौती देने वाले थे भंडानक। भंडानक मूल रूप से पंजाब के निवासी थे, तो भंडानक जो है ये थे मूल रूप से पंजाब के निवासी, लेकिन वर्तमान में ये राज्य स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे पूर्वी राजस्थान में। तो इनका जो राज्य स्थापित करने का प्रयास था वो था पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान के जिलों में अलवर, भरतपुर और ये जिला धौलपुर, इन जिलों में, और दूसरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थे मथुरा और आगरा। तो ये भंडानक जो है वो मूल रूप से पंजाब के निवासी थे, सतलज नदी के आसपास इनका निवास हुआ करता था, लेकिन वहां से ये लोग भाग करके पूर्वी राजस्थान की तरफ आए थे। और पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये जो भाग है जहां राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों की सीमाएं लगती हैं, अलवर, भरतपुर और धौलपुर, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दो जिले हैं मथुरा और आगरा, तो ये इस भाग में अपनी सत्ता को स्थापित करने के प्रयास कर रहे थे। तो इसीलिए अब ये सत्ता स्थापित करने के लिए क्या करेंगे कि ये बार बार जो है वो पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य पर आक्रमण कर रहे थे, क्योंकि आक्रमण करेंगे, विद्रोह की स्थिति पैदा करेंगे, वहां पर कुछ अनबन पैदा होंगी, तनाव पैदा होंगे, तभी उसी स्थिति में जो है ये अपने राज्य को स्थापित कर सकते थे। तो इसीलिए भंडानकों के विरुद्ध पृथ्वीराज चौहान ने 1182 में सैनिक अभियान भेजा। तो भंडानकों के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजा गया था कब, 1182 में। तो इन चुनौतियों में जो हमने पढ़ा उसमें पहली चुनौती प्रस्तुत की चचेरे भाई नागार्जुन द्वारा, दूसरी चुनौती आई एक जाति भंडानक द्वारा, चचेरे भाई के विरुद्ध गुड़गांव या गुरुग्राम का युद्ध हुआ 1178 में, और 1182 में सैनिक अभियानों के द्वारा भंडानकों का दमन किया गया था। तो ये इस प्रकार से प्रारंभिक चुनौतियों को पृथ्वीराज चौहान ने पूरा किया। अब हम वैसे बात करें तो ये दोनों जो हैं वो बहुत बड़ी चुनौती चौहान साम्राज्य के सामने नहीं थे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की, क्योंकि इस समय उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, हमने पढ़ा था कि 1166 में पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था, तो 1166 में जन्म होने के बाद में 1177 में वो शासक बना, तो मात्र 11 वर्ष की आयु में उसने नागार्जुन का दमन किया, और इसके बाद फिर 1182 में ये अभी 15 साल का भी नहीं, तो ये इसीलिए छोटी उम्र में उसने वो कार्य किया जो कि शायद बड़े बड़े जो सम्राट थे वो भी नहीं कर पाते थे। तो यही पृथ्वीराज चौहान को धरती का वीर पुत्र योद्धा कहा जाता है, यही कारण है। फिर इसके बाद तीसरी चुनौती जो सामने आई वो था पड़ोसी राज्य चंदेल। तो तीसरी चुनौती थी चंदेलों की तरफ से। चंदेल जो राज्य है ये वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, इसकी राजधानी हुआ करती थी उस समय महोबा। तो राजधानी थी इनकी महोबा, राज्य फिलहाल है मध्य प्रदेश जहां पर यह स्थित था। तो मैंने आपको बताया था कि चंदेलों के साथ संघर्ष क्यों हुआ, क्योंकि जब भंडानकों का दमन करके चौहान सेना वापस आ रही थी अपने साम्राज्य की तरफ, तो चंदेल सैनिकों ने चौहान सैनिकों को पकड़ लिया और पकड़ के उनको भयंकर यातना देके मार दिया।
ये बात पृथ्वीराज चौहान को पसंद नहीं आई। पृथ्वीराज चौहान ने इस समय जो इनके शासक थे जिसका नाम आता है परमर्दी देव, उस परमर्दी देव को बोला कि आपने जो कार्य किया वो गलत किया, आप अपने सैनिकों को जो है वो दंड दो। लेकिन परमर्दी देव ने दंड देने से मना कर दिया। इस वजह से पृथ्वीराज चौहान ने अगला जो आक्रमण है वो किया था चंदेलों पर। तो चंदेल की राजधानी महोबा की तरफ पृथ्वीराज चौहान की सेना जो है वो चल दी। पृथ्वीराज चौहान की सेना ने अपना पूरा जो साम्राज्य जो वर्तमान राजस्थान में था उसको पूरा उसको पार किया और पार करके वो पहुंचे मध्य प्रदेश के उस बुंदेलखंड वाले भाग में जहां पर ये राज्य हुआ करता था। महोबा पर आक्रमण करने से पहले यानी राजधानी महोबा से पहले परमर्दी देव की सेना ने पृथ्वीराज चौहान की सेना को रोका और इनके बीच में जो आपस में युद्ध हुआ वो था तुमुल का युद्ध। अब तुमुल बहुत प्रसिद्ध जगह नहीं है तो कई जगह पर कई बुक्स में आपको इसका नाम मिलेगा महोबा का युद्ध। तो यहां पर ये कंफ्यूजन नहीं होना है, चाहे तुमुल का युद्ध बोले चाहे वो महोबा का युद्ध बोले, वो बात जो है वो अल्टीमेटली एक ही है। यह युद्ध हुआ था 1182 में। तो इस युद्ध में चंदेल सेनापति जो प्रसिद्ध थे जिनका नाम इतिहास में प्रसिद्ध है, वो दो भाई थे आला और उदल। तो चंदेल सेना के सेनापति थे आला और उदल। आला और उदल ने भयंकर रूप से युद्ध को, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की सेना के समक्ष ये दोनों नहीं टिक पाए और अंत में आला उदल दोनों लड़ते हुए शहीद हुए। अब इसमें कुछ कहानियां ऐसी भी आती हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने दो बार लगातार आक्रमण किया था महोबा पर। पहली बार जब आक्रमण हुआ था तो उस समय आला और उदल ने जो है वो पृथ्वीराज चौहान की सेना को हरा दिया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को जिंदा छोड़ दिया था। यानी पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था, लेकिन बाद में पृथ्वीराज चौहान को छोड़ दिया। लेकिन कुछ समय बाद जब अगला आक्रमण हुआ तो उस आक्रमण में पृथ्वीराज चौहान ने चंदेल सेना को पराजित किया जिसके सेनापति आला उदल ही थे। तो पृथ्वीराज चौहान ने बोला कि क्योंकि पिछले युद्ध में तुमने मेरु पर उपकार किया था, मुझे हराया था, बंदी बनाया था लेकिन जिंदा छोड़ दिया था, और अब मैं तुम पर उपकार कर रहा हूं कि मैं भी तुम्हें जो है वो जिंदा छोड़ रहा हूं। अब इसमें दोनों बातें आती हैं। एक जो तथ्य है वो ये कहता है कि आला उदल लड़ते हुए शहीद हुए, और दूसरा तथ्य ये कहता है कि पृथ्वीराज चौहान ने इन दोनों को छोड़ दिया था। कारण इसके पीछे ये कि पिछला जो युद्ध हुआ था महोबा का, उसमें पृथ्वीराज चौहान को इन दोनों ने जिंदा छोड़ दिया था। अब कहानी चाहे कुछ भी हो, हमारे सामने जो ऐतिहासिक तथ्य है वो यही है कि आला उदल इस युद्ध में सेनापति थे और पृथ्वीराज चौहान की सेना इस युद्ध में विजय हुई। इस युद्ध में चौहान सेना की विजय हुई। तो ये चौहान सेना इस युद्ध में पूरी तरह से विजय हुई। चौहान सेना की विजय के बाद ये एक तथ्य बना कि इस समय पश्चिमी राजस्थान का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य वो ये अजमेर है। तो अजमेर की एक तरह से धाक जो है वो पूरे के पूरे उत्तर भारत में जमने लगी। फिर मैंने आपको अगली बात बताई थी कि गुजरात के साथ में लगातार संघर्ष इनका चल ही रहा था, तो वो तो है ही। गुजरात के साथ में संघर्ष का जो मूल कारण था वो था आबू के परमार वंश की राजकुमारी इच्छिनी। तो अगला जो युद्ध था वो हुआ था किसके साथ में, गुजरात के साथ में। तो यहां जो हमें याद करना है, चंदेलों के साथ युद्ध हुआ, चंदेलों के शासक का नाम परमर्दी देव, युद्ध हुआ इनके बीच में तुमुल का युद्ध या महोबा का युद्ध, वर्ष था 1182, चंदेलों के सेनापति थे आला और उदल, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की चौहान सेना की विजय हुई। अब इसके बाद अगला जो है वो है गुजरात। तो अगला संघर्ष है गुजरात के साथ। तो चौथा संघर्ष है पृथ्वीराज चौहान का गुजरात के साथ। गुजरात के साथ चौहानों की परंपरागत शत्रुता थी। कारण उसके पीछे ये दोनों पड़ोसी राज्य थे। तो हम जो बात कर रहे हैं वो तो ये कि पहली तो गुजरात के साथ परंपरागत शत्रुता है चौहानों की। उसके पीछे कारण क्या है बड़ा? पहला बड़ा कारण इसके पीछे ये है कि ये मारवाड़ और आबू पर अधिकार करना चाहते हैं दोनों के दोनों साम्राज्य। तो गुजरात भी और अजमेर भी
दोनों ही मारवाड़ और आप पर अधिकार करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, और दूसरा कारण था सीमाएं। दोनों ही राज्यों की सीमाएं आपस में टकराती थी, इसीलिए दोनों के बीच में संघर्ष जो है वो लगातार चला आ रहा था। पिछला जो हमारा सेशन था उसमें हमने पढ़ा था कि चौहानों ने ही इस संघर्ष की शुरुआत की थी, जब चौहान शासक जो हैं वो गुजरात तक पहुंचे थे आक्रमण करते हुए। तो ये तो लड़ाई थी, लेकिन इस बार कारण था परमार राजकुमारी इच्छिनी। के साथ विवाह की आकांक्षा, ये था परमार राजकुमारी इच्छिनी के साथ विवाह की आकांक्षा। तो यहां पर क्या होता है कि इस जगह पर ये जो है इच्छिनी परमार वंश की राजकुमारी थी, और परमार वंश था आबू का। आबू का प्राचीन नाम हुआ करता था उस समय चंद्रावती। तो चंद्रावती या आबू में परमार वंश का शासन था, और इस समय यहां का शासक था जैत सिंह। तो शासक का नाम था जैत सिंह और वंश का नाम था परमार वंश, और राज्य का नाम था चंद्रावती, या वर्तमान में इसको बोलते हैं आबू। इच्छिनी बहुत सुंदरी थी, परम सुंदरी थी उस समय की, और ये पृथ्वीराज चौहान शादी करना चाहती थी। तो इच्छिनी शादी करना चाहती है पृथ्वीराज चौहान से, लेकिन जैत सिंह शादी करना चाहता है इच्छिनी से। तो लव ट्रायंगल वाला मामला था, यानी एक तरफ तो इस ट्रायंगल में इच्छिनी है, दूसरी तरफ इसमें पृथ्वीराज चौहान है, और तीसरी तरफ गुजरात का शासक था भीम द्वितीय। जी, तो गुजरात का शासक भीम द्वितीय, अजमेर का शासक पृथ्वीराज चौहान, और आबू की राजकुमारी चंद्रावती इच्छिनी। ये एक ट्रायंगल का मामला था। इच्छिनी ने शादी करने की इच्छा जताई थी पृथ्वीराज चौहान के साथ, लेकिन ये गुजरात का शासक, क्योंकि गुजरात एक बड़ा साम्राज्य था, तो अपने घमंड में चूर होकर के गुजरात के शासक भीम सिंह ने जैत सिंह पर आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में आबू को वो लगभग जीतने वाला था, तभी चौहान सेना जो है वो इच्छिनी की इच्छा पर, कारण इसके पीछे ये कि इच्छिनी ने पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण दिया था कि आप आओ और मुझे इससे बचाओ, क्योंकि वो भीम सिंह के साथ में शादी नहीं करना चाहती थी, और भारतीय संस्कृति के अनुसार नारी की इच्छाओं का सम्मान करना परम धर्म है। तो उसी नारी के सम्मान के रक्षा के लिए इस समय पृथ्वीराज चौहान जो है वो आबू पर आक्रमण करते हैं। आबू पर आक्रमण करके गुजरात की सेना को वहां से बाहर निकालते हैं, और फिर पृथ्वीराज चौहान और इच्छिनी का इसमें विवाह होता है। तो आबू के चंद्रावती, आबू या चंद्रावती के परमार वंश की राजकुमारी इच्छिनी से विवाह की आकांक्षा में गुजरात के शासक भीम सिंह द्वितीय और अजमेर के शासक ये पृथ्वीराज चौहान, इन दोनों के बीच में यह संघर्ष हुआ। अब ये जो संघर्ष है, इस संघर्ष का वर्ष माना जाता है 1184। तो 1184 में इन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ था। अब इसके बाद जब परमार वंश की राजकुमारी की इच्छिनी, जो परमार वंश की राजकुमारी है इच्छिनी, उसकी शादी पृथ्वीराज चौहान के साथ हो गई, तो भीम सेकंड जो है वो ज्यादा तिलमिला गया, और तिलमिला करके उसने आक्रमण किया अजमेर के ऊपर। अजमेर से पहले नागौर में इन दोनों सेनाओं के बीच में फिर एक भयंकर युद्ध हुआ। तो 1184 में नागौर का युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान और गुजरात के शासक भीम द्वितीय के बीच में। तो ये नागौर का युद्ध भीम सेकंड, ये तो है गुजरात का शासक, और दूसरी तरफ है पृथ्वीराज चौहान, इन दोनों के मध्य हुआ। इस युद्ध में भीम सेकंड जो है गुजरात का शासक, ये तो पराजित हुआ, और पृथ्वीराज चौहान की इस युद्ध में विजय हुई। यानी नारी के सम्मान की रक्षा के लिए ईश्वर ने जो है वो पृथ्वीराज चौहान को ही विजयी बनाया। तो ये गुजरात के साथ शत्रुता है, ये भी हो गई। अब इस समय जो दो बड़े संबंध जिनकी वजह से पृथ्वीराज चौहान का नाम इतिहास में अमर हुआ, उसमें एक संबंध तो है गढ़वाल वंश के साथ, और दूसरा संघर्ष है मोहम्मद गौरी के साथ। तो अब हम अगला जो पॉइंट है वो लेते हैं, गढ़वालों के साथ संबंध।
तो अगला है गहड़ वालों के साथ संबंध। गहड़वाल वंश ये हम जानते हैं, ये कन्नौज का वंश था, इसकी राजधानी थी कन्नौज। कन्नौज में चंद्रदेव द्वारा गहड़वाल वंश की नींव रखी गई थी। इस समय शासक था गहड़वाल वंश का जयचंद। माना जाता है कि जयचंद और पृथ्वीराज चौहान दोनों मौसेरे भाई थे। इसके पीछे कारण क्या कि ये राज्य है उस समय दिल्ली, दिल्ली का नाम मैंने आपको पुराना बताया, दिल्ली को बोला करते थे ढिल्लिका, और एक और पुराना नाम था योगिनीपुर। तो दिल्ली या ढिल्लिका जो था इसका शासक था अनंगपाल तोमर। दिल्ली में इस समय तोमर वंश का राज्य था, यानी दिल्ली को बसाने वाले जो थे वो तोमर वंश के राजा थे। तो तोमर वंश का एक शासक अनंगपाल तोमर इस समय दिल्ली का शासक था। ये हम पढ़ चुके हैं पहले कि 1163 में चौहान शासक बीसल देव ने या विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को जीत लिया था। तो अनंगपाल तोमर की दो पुत्रियां थीं, एक पुत्री का नाम आता है कर्पूरी देवी और दूसरी पुत्री का नाम आता है सुंदरी देवी। तो एक तो पुत्री है कर्पूरी देवी और दूसरी पुत्री है सुंदरी देवी। कर्पूरी देवी की शादी जो है, यानी इनके पति, कर्पूरी देवी के पति का तो नाम था सोमेश्वर चौहान और सुंदरी देवी के पति का नाम था विजय चंद्र या विजयपाल। ये गहड़वाल वंश का राजा था। तो अनंगपाल तोमर ने अपनी दोनों बेटियों की शादी उस समय के दो उत्तर भारत के बड़े खानदानों में की। पहली शादी जो है वो कर्पूरी देवी की, वो चौहान वंश के शासक सोमेश्वर चौहान के साथ हुई, और दूसरी बेटी सुंदरी देवी का विवाह गहड़वाल वंश के या कन्नौज के शासक विजय चंद्र या विजयपाल के साथ हुआ। अब इनके जो बच्चे हुए, कर्पूरी देवी और सोमेश्वर चौहान, इनके पुत्र का नाम था पृथ्वीराज चौहान, और दूसरी तरफ सुंदरी देवी और विजय चंद्र, इनके पुत्र का नाम था जयचंद। तो जयचंद सुंदरी देवी और विजय चंद्र का पुत्र था और पृथ्वीराज चौहान कर्पूरी देवी और सोमेश्वर का पुत्र था। तो ये इन दोनों के हुए पुत्र। अब जयचंद की पुत्री थी संयोगिता, ये तो अब रिश्ता आपकी समझ में आ रहा होगा शायद। रिश्ता जो है वो पृथ्वीराज चौहान संयोगिता के मौसाजी लगते थे। अब कारण क्या हुआ कि विजय चंद्र जो है वो भी अनंगपाल तोमर के दामाद हैं और सोमेश्वर चौहान है ये भी अनंगपाल तोमर के दामाद हैं। अनंगपाल तोमर के ये दो पुत्रियां ही थीं, उनका कोई पुत्र नहीं था। तो जब अनंगपाल तोमर की मृत्यु होने वाली थी तो अनंगपाल तोमर को दिल्ली में अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना है। तो अनंगपाल तोमर ने क्या किया, अपना उत्तराधिकारी नियुक्त जो है वो किया पृथ्वीराज चौहान को। अब ये क्यों किया, इसके पीछे बड़ा कारण यही है कि क्योंकि दिल्ली को 1163 में चौहान शासक बीसल देव ने जीता हुआ था। तो दिल्ली जो है वो वर्तमान में या उस समय चौहानों के अधीनस्थ राज्य था। तो इसीलिए चौहानों के विरुद्ध अनंगपाल तोमर नहीं जा सकते थे, क्योंकि यदि वो विजय चंद्र को या फिर विजय चंद्र के बेटे जयचंद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं तो ये गलत होता। इसका मतलब क्या है कि वो चौहान साम्राज्य को सीधे चुनौती होती, और शायद वो नहीं चाहते होंगे कि इन दोनों संबंधियों में आपस में संघर्ष हो, क्योंकि यदि जयचंद को उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता तो पृथ्वीराज चौहान इस बात को सहन नहीं करता और वो तुरंत आक्रमण करता दिल्ली पर, क्योंकि दिल्ली पहले से ही चौहानों के अधीन थी। तो यही कारण था कि अनंगपाल तोमर ने पृथ्वीराज चौहान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। अब जयचंद इस बात से चिढ़ा हुआ था। जयचंद ये बोलता था कि नानाजी के लिए यानी अनंगपाल तोमर के लिए ये दोनों जो नवासे हैं वो बराबर हैं, तो फिर किसी एक को ही क्यों दिया, उसको क्यों नहीं दिया। दूसरा उसका कहना था कि आपको अगर हमें बराबरी मानना था तो आप इसके दो हिस्से कर देते, यानी उस समय का जो दिल्ली का साम्राज्य था उस दिल्ली के साम्राज्य के दो हिस्से करते और इन दोनों को इन दोनों में आधा आधा बांट देते। अब ये अनंगपाल तोमर के विवेकाधिकार था कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो पृथ्वीराज चौहान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। तो इनके बीच में सबसे पहला जो टेंशन का कारण था वो तनाव का कारण जो बना, पृथ्वीराज
पृथ्वीराज चौहान और गहडवाल वंश के शासक जयचंद के बीच। वो पहला था दिल्ली का उत्तराधिकार। अब दिल्ली का उत्तराधिकार क्या कि शासक अनंगपाल तोमर द्वारा, शासक अनंगपाल तोमर द्वारा पृथ्वीराज को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था। तो ये इनके बीच में एक पहला तनाव का कारण बना कि दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर ने पृथ्वीराज चौहान को बना दिया अपना उत्तराधिकारी। अब इसके बाद दूसरा जो कारण बना, वो दूसरा कारण था दोनों का साम्राज्य में सीमा विवाद। मैंने अभी आपको बताया कि जब पृथ्वीराज चौहान ने भंडानकों को समाप्त किया, भंडानकों को समाप्त करने के साथ ही चौहान साम्राज्य की जो सीमाएं हैं वो कन्नौज के साथ टकरा गई। पहले तो क्या होगा कि पहले जैसे ये चौहानों का साम्राज्य था, फिर इसके बाद थे बीच में भंडानक, और फिर इसके बाद थे गहड़वाल। यानी ये जो भंडानक हैं ये चौहानों और गहड़वालों के बीच में थे, लेकिन जैसे ही चौहान ने भंडानकों को जीत लिया, यानी अभी तो क्या है कि चौहान सीधे अटैक भंडानकों पर करेंगे, गढ़वाल पर नहीं करेंगे, तो इन दोनों के बीच में कोई आपसी सीमा विवाद नहीं होगा। लेकिन जैसे ही चौहान ने भंडानकों को यहां से हटाया, वैसे अब चौहानों की साम्राज्य की सीमा यहां तक पहुंच गई, और यहां तक पहुंचने का अर्थ था कि गढ़वाल जो है उनके साथ में अब सीमा को लेकर विवाद होगा, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में या कूटनीति में या राजनीति में कभी भी कोई भी राज्य, कोई भी देश, कोई भी साम्राज्य ये नहीं चाहेगा कि उसके पड़ोस में प्रबल शत्रु हो। यानी हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन फिर भी चीन और पाकिस्तान हमारे मित्र नहीं हो सकते। उसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि ना तो चीन चाहेगा कि भारत स्थिर हो, भारत मजबूत हो, ना कभी पाकिस्तान चाहेगा कि भारत स्थिर हो, मजबूत हो, और ना कभी भारत चाहेगा कि ये दोनों उसके लिए संकट हमेशा बनते रहें। तो किसी भी स्थिति में दो प्रबल शत्रु जो हैं वो आपस में मित्र नहीं हो सकते, यदि उन दोनों की सीमाएं आपस में टकरा रही हैं। तो ऐसे हमारे वर्तमान राजनीति में भी आपको 50 उदाहरण मिल जाएंगे। ईरान और पाकिस्तान दोनों पड़ोसी देश हैं, फिर भी दोनों आपस में मित्र नहीं है, जबकि दोनों का धर्म एक है, दोनों का निर्माण धर्म के आधार पर हुआ था। तो लेकिन ईरान और भारत आपस में मित्र हैं, जबकि दोनों का आपस में कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है। तो उसके पीछे कारण सिर्फ अंतरराष्ट्रीय संबंध होते हैं। तो जैसे ही चौहानों और सीमाओं की गढ़वाल की सीमाएं आपस में टकराई, इसका मतलब अब इन दोनों में विवाद होना स्वाभाविक था। तो दूसरा कारण बना इनका साम्राज्य में सीमा विवाद, क्योंकि चौहान ने जब भंडानकों को जीत लिया, तो भंडानकों को जीतने के साथ ही उसकी सीमा गढ़वाल की सीमा से आकर टकरा गई, और अब इन दोनों में शत्रुता है वो और ज्यादा बढ़ गई। अब इनके बीच में तनाव का जो बड़ा और स्थायी कारण बना, वो कारण था संयोगिता के साथ विवाह। तो तीसरा कारण था पृथ्वीराज का संयोगिता के साथ विवाह। तो ये इनका तीसरा बड़ा कारण था, और यही इनकी स्थायी शत्रुता का कारण बना। कुछ इतिहासकार, कुछ कहानियां, कुछ किंवदंतियां, कुछ कथाएं ये मानती हैं कि जब पृथ्वीराज ने संयोगिता के साथ विवाह किया, तो जयचंद ने इसको अपना बहुत बड़ा अपमान माना। और जयचंद ने क्या किया कि जयचंद ने पृथ्वीराज को समाप्त करने के लिए गजनी के शासक मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। अब ये जो कारण था उसमें ये जो जयचंद है ये इसी वजह से, यानी कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि जयचंद ने ही पृथ्वीराज चौहान को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जयचंद को भारत में धोखे का पर्यायवाची मान लिया गया, यानी जयचंद नाम जो है वो कोई नहीं रखता, कारण कि जयचंद जो है वो धोखा देगा। तो जयचंद का अर्थ हो गया भारत में धोखा या विश्वासघात। अब लेकिन जो इतिहासकार हैं, जो तथ्यों पर बात करते हैं, वो जयचंद को इस प्रकार के विश्वासघात के लिए उत्तरदायी नहीं मानते। यानी जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी को आमंत्रित नहीं किया था, क्योंकि यदि ऐसा होता तो अगला जो आक्रमण है मोहम्मद गौरी का वो जयचंद पर नहीं होता। पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य पर अधिकार के बाद मोहम्मद गौरी ने अगला आक्रमण जयचंद पर ही किया था।
तो हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि जयचंद ने ही पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी को बुलाया था। अब इन दोनों की शादी कैसे हुई, जबकि पृथ्वीराज चौहान जो है वो संयोगिता के मौसाजी लगते हैं। अब उस सबके पीछे जो कारण था वो एक कहानी है, वो मैं आपको सुनाता हूं। तो ये हमने तीनों कारण पढ़ लिए। पहला तनाव का कारण है दिल्ली का उत्तराधिकार, दूसरा तनाव का कारण है साम्राज्य में सीमा विवाद, और तीसरा बड़ा कारण था पृथ्वीराज का संयोग्यता के साथ विवाह। तो इसमें साथियों हुआ ये कि पृथ्वीराज चौहान और ये संयोग्यता, ये दोनों आपस में शायद मिलते होंगे यहां दिल्ली में अनंगपाल तोमर के यहां। अब वहीं पर इन दोनों में नैन मटक्का हो गया, दोनों में प्यार प्रेम की बातें आ गई और ये मोहब्बत के दौर हैं वो शुरू हो गए। संयोग्यता पृथ्वीराज चौहान हालांकि लगते तो मौसाजी थे, लेकिन वो पति के रूप में उनको देखना उसने शुरू कर दिया। अब जयचंद को जब इस बात का पता चला, अब इनके बीच में प्रेम संदेश शायद उधर जाते भी होंगे, कबूतर जो है वो इनकी बातें वहां तक पहुंचाते भी होंगे, वो सब कुछ इनके बीच में होता होगा शायद। जयचंद को जब इस बात का पता चला तो उसने सोचा कि मैं संयोग्यता की शादी तो उससे नहीं करूं। एक बड़ा कारण दोनों आपस में सगे संबंधी हैं, दूसरा शायद उम्र में भी दोनों के अंतर होगा, और तीसरा जो कारण है वो ये है कि वो विवाद, यानी उस तनाव की वजह से पृथ्वीराज चौहान के साथ जयचंद अपनी पुत्री संयोग्यता का विवाह नहीं कर सकता था। अब जब ये तो उसने समझ लिया जयचंद ने कि वो पृथ्वीराज चौहान की और संयोग्यता की शादी नहीं करेगा, तो जयचंद ने क्या किया कि उसने संयोग्यता का स्वयंवर आयोजित किया। तो यहां पर होने वाला है अब संयोग्यता का स्वयंवर। स्वयंवर एक पुरानी भारतीय परंपरा थी। स्वयंवर में क्या होता था कि स्त्री की यहां भी इच्छा का पूरी तरह सम्मान होगा। स्त्री किसी भी व्यक्ति को अपना पति चुन सकती थी, और जिस भी व्यक्ति को वो अपना पति चुनेगी, शासक को यानी जो उसका पिता होगा उसको उसकी इच्छा का पूरा सम्मान करना पड़ेगा। तो स्वयंवर के इस तरह के नियम थे। जैसे आपने रामायण महाभारत अगर देखा हो तो उसमें सीता जी का स्वयंवर हुआ तो उनके पिता ने एक शर्त रखी। वो शर्त क्या थी कि जो व्यक्ति शिव धनुष को उठा लेगा उसके साथ वो सीता का विवाह कर देंगे। तो सीता का जो है इच्छा थी वो राम के साथ शादी करने की थी, क्योंकि दोनों जो हैं वो पहले एक उपवन में वाटिका में आपस में मिल चुके थे। तो ईश्वर ने उनकी उस इच्छा का या उनके उस प्रेम का या उनके उसका सम्मान किया और उन दोनों की शादी करवा दी। इसी प्रकार जो द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि उनके पिता ने जो है वो शर्त रखी थी कि जो व्यक्ति उसमें जो मछली घूम रही होगी उसकी आंख में तीर मार देगा उसके साथ वो द्रौपदी की शादी करेंगे। तो यहां ऐसी कोई शर्त तो नहीं थी कि संयोग्यता की शादी उससे होगी जो कुछ ऐसा कर देगा, तो वहां इनके पिता ने कोई शर्त आपस में ऐसी नहीं रखी थी। लेकिन अब इसमें होता क्या है, स्वयंवर में जैसे आपने दरबार देखे होंगे पिक्चरों में सीरियल्स में, ये इस तरह की शेप में वो दरबार होता है। यहां पर बैठा होगा शासक, जैसे मान लीजिए कन्नौज का शासक है कौन, जयचंद। तो जयचंद इस जगह पर बैठा हुआ है। अब यहां इनके दरबार में चारों तरफ इस तरह से वो लोग बैठे होंगे जो इनके प्रशासक हैं, जो इनके दरबारी हैं। लेकिन अब क्योंकि स्वयंवर है तो स्वयंवर में बुलाया जाएगा उस समय के सभी शासकों को, यानी जयचंद जिनको ये मानता होगा कि ये जो लोग हैं या ये जो राजकुमार हैं या जो राजा हैं ये मेरी पुत्री के साथ विवाह करने के योग्य हैं। जयचंद क्या करेंगे कि उन्होंने उस समय के सभी लोगों को, जैसे ये राजपूत वंश है तो राजपूत वंशों को जो समय पूरे भारत में राजपूत वंश थे, शासन जो ये है जयचंद, इन्होंने संयोग्यता के साथ विवाह करने के लिए बुलाया, उसको आमंत्रित किया। अब यहां पर संयोग्यता की इच्छा है कि वो किसी भी शासक के या राजकुमार के गले में माला डाल सकती है। अब ये जो निमंत्रण पत्र सभी राजाओं को भेजे गए थे, लेकिन ये निमंत्रण पत्र पृथ्वीराज चौहान को नहीं भेजा गया था। अब आप इस बात को मान सकते हो कि पृथ्वीराज चौहान का ये अपमान था, क्योंकि जब उस समय सभी शासकों को निमंत्रण पत्र भेजे गए स्वयंवर के लिए तो पृथ्वीराज चौहान को क्यों नहीं भेजा गया। अब पृथ्वीराज चौहान को नहीं भेजने के पीछे जो पहला कारण बताया जाता है वो ये कि दोनों का आपसी तनाव, पहला कारण। दूसरा संयोग्यता का के बारे में उसको पता था पहले से कि अगर बुलाया जाएगा तो संयोग्यता उसी शादी करेगी, और पृथ्वीराज चौहान की संयोग्यता की शादी वो नहीं चाहता था। अब जब लोगों ने उसको बुला कि भाई वो तो संबंधी है तुम्हारे, उसको तो बुलाओ, और इस समय चौहानों से बड़ा साम्राज्य किसी का था नहीं, तो अब
इसने सोचा जयचंद ने कि मैं उसको बुलाने की जगह पर उसका अपमान ही करूंगा। तो वो बोला कि भाई देख होता क्या है कि ये संयोगता के मौसाजी हैं, तो मैं घर वालों को थोड़ी बुलाऊंगा शादी में, या शादी का निमंत्रण थोड़ी होगा, घर वालों को तो अपने आप ही आना पड़ता है। और अगर वो मेरे से नाराज है तो मैं उनकी उपस्थिति के लिए क्या करता हूं कि उनकी एक मूर्ति बना के वहां पर खड़ी कर दूंगा। तो पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण तो नहीं दिया गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की एक कांसे की मूर्ति बना करके दरबार में खड़ी कर दी गई। अब यहीं पर वो बात खत्म नहीं हुई। जयचंद ने जब उस मूर्ति को देख लिया कि देख मूर्ति वहां पर दरबार में खड़ी है, तो उसने क्या किया कि जैसे जब ये शासक आए होंगे सारे सारे, और इसके बाहर यानी जहां पर दरबार होगा मान लीजिए उसके बाहर ये जो हैं वो उनके जूते चप्पल हैं वो उतरे होंगे, तो इन शासकों ने अपने जूते चप्पल जो भी पहन के आए थे उस समय, खड़ाऊ जो पहनते थे वो सब यहां पर उतार रखी होंगी यानी उस दरबार के बाहर। तो वो जो मूर्ति थी पृथ्वीराज चौहान की, वो जयचंद ने इस जगह पर लगा दी जहां पर जूते चप्पल रखे हुए थे। जयचंद ने बोला कि लड़की वाले जो है ना वो क्या करते हैं, लड़की वालों का काम अतिथियों की सेवा करना होता है, अतिथियों का देखभाल करना होता है। अब ये पृथ्वीराज चौहान ऐसे देखा जाओ रिश्ते के हिसाब से तो लड़की वाला है, तो इसीलिए उसने बोला कि पृथ्वीराज चौहान यहां पर क्या करेगा, पृथ्वीराज चौहान इन अतिथियों के जूतों चप्पलों की रखवाली करेगा। अब ये और बड़ा अपमान था कि इतने बड़े शासक का, इतने बड़े सम्राट का, जिसकी दो दो राजधानियां हो, भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य हो, उसको आपने यहां पर जूते चप्पलों के पास में उसकी मूर्ति खड़ी कर दी, बुलाया भी नहीं, और दूसरा उसकी मूर्ति का भी अपमान जो है वो चल रहा है। अब इसके बाद होता क्या था कि एक एक करके संयोगता जो है वो एक एक राजा राजकुमार के पास जाएगी। अब संयोगता एक एक राजा राजकुमार के पास जा रही है, और एक व्यक्ति ऐसा होगा जयचंद का साथ वाला कोई मंत्री वंत्री जो संयोगता को उन राजाओं का या राजकुमारों का परिचय देगा। तो एक एक करके परिचय दिया जाएगा कि ये फलाने जगह के राजा हैं, इनके 1000 गांव हैं, इनके 2000 गांव हैं, इनकी करोड़ों की इनकम है, इनका ये बड़ा साम्राज्य है, उसमें ऐसे होता है, उसमें वैसे होता है, तो इन सब की एक एक करके सारी बातें जो है वो बताई जाएंगी। अब क्या होगा कि जब ये सबको संयोगता ने देख लिया, और उसको तो जिससे करनी तो उससे करनी थी, प्रेम का मामला था, तो वो करनी चाहती थी शादी किससे, पृथ्वीराज चौहान से। तो जब संयोगता ने सारे के सारे देख लिया और उसको देख लिया कि साहब इनमें वो तो नहीं है जिससे मैं करना चाहती हूं शादी, तो उसकी नजर पड़ी यहां दूर खड़ी हुई उस मूर्ति पर। संयोगता वहीं पर पहुंच गई भाग के, और जाके उसने उस मूर्ति गले में वरमाला डाल दी। अब वरमाला डालने का मतलब था कि संयोगता ने अपनी इच्छा जो है वो प्रकट कर दी, और क्षत्रिय धर्म के अनुसार महिला की या नारी की इच्छा जो है वही छात्र धर्म है। तो अब जब ये इच्छा प्रकट हो गई तो ये सारे के सारे जो राजा हैं वो संयोगता के विरुद्ध नहीं आ सकते। अगर वो चाहते हैं कि वो संयोगता से शादी करें, यानी जितने भी ये राजा महाराजा दरबार में आए थे उनको लगता है कि नहीं वो संयोगता के योग्य हैं, पृथ्वीराज चौहान जिसको वरमाला डली है वो संयोगता के योग्य नहीं है, तो इनको पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करना पड़ेगा। ऐसा आपने महाभारत में देखा होगा, जब भीष्म पितामह जो है वो अंबा, अंबिका और अंबालिका नाम की तीन कन्याओं को स्वयंवर से उठाकर लाए थे, और बोला गया था कि जो भी भीष्म पितामह से युद्ध करना चाहता है वो युद्ध करे, और जो युद्ध करेगा यदि भीष्म को वो हरा देगा तो ही अंबा, अंबिका, अंबालिका जो है वो वापस उनको मिलेंगी, नहीं तो वो भीष्म के साथ ही जाएंगे। तो इसी नियम के अनुसार अब इनमें से किसी राजा को यदि पृथ्वीराज चौहान को चुनौती देने की औकात हो तो ही वो संयोगता की इच्छा का जो है वो विरोध कर सकता था, लेकिन इनमें से किसी की औकात थी नहीं कि वो पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध जा सके। तो पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध इनमें से कोई भी नहीं गया, किसी ने भी पृथ्वीराज चौहान को चुनौती नहीं दी, और हुआ वही जो भाग्य ने रचा हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान और संयोगता दोनों की शादी हो गई। अब यह शादी के बाद तो जयचंद और ज्यादा चढ़ गया, क्योंकि वो जो नहीं चाहता था वही हो गया। अब ये प्रेमी जोड़े आपस में मिल गए, जयचंद की जो है उसको लगा कि उसकी बेइज्जती हो गई, तो यहां से इन दोनों की शत्रुता और ज्यादा बढ़ गई। तो अब इसके बाद यहां से आगे समय इंतजार कर रहा था पृथ्वीराज चौहान के सबसे भयंकर शत्रु का, जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। तो पृथ्वीराज चौहान के समक्ष आने वाली अगली जो बड़ी चुनौती थी वो थी मोहम्मद गौरी। तो अगला शासक है मोहम्मद गौरी।
मोहम्मद गौरी को कई जगह पर मोहम्मद बिन साम भी कहा जाता है। तो मोहम्मद गौरी या मोहम्मद बिन साम ये एक ही है। तो मोहम्मद गौरी जो है इसने भारत पर आक्रमण करना शुरू किया। मोहम्मद गौरी की राजधानी थी गजनी, ये गजनी है वर्तमान में मध्य एशिया में। मोहम्मद गौरी से पहले महमूद गजनवी भी भारत में आया था, और महमूद गजनवी जो है वो भारत में केवल लूटपाट करने आया था। महमूद गजनवी ने भारत के लगभग हर रियासत पर आक्रमण किया केवल वहां से सामान या धन लूटने के लिए। लेकिन मोहम्मद गौरी भारत में आया था किस बात के लिए? कि उसको भारत में साम्राज्य बढ़ाना है। तो मोहम्मद गौरी भारत में आने वाला पहला ऐसा विदेशी आक्रमणकारी था मध्यकाल में, जो कि भारत में साम्राज्य स्थापना के उद्देश्य से आया था। इसी में कड़ी में उसने सबसे पहला जो आक्रमण है वो 1175 में किया था मुल्तान पर। इस समय मुल्तान में एक मुस्लिम रियासत की स्थापना हो चुकी थी। तो मुल्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान है, 1175 में मोहम्मद गौरी ने मुल्तान को जीत लिया। इसके बाद अगला आक्रमण उसका 1178 में हुआ था गुजरात पर। गुजरात का उस समय शासक था भीम सेकंड, जो सोलंकी वंश का था। 1178 में गुजरात की सेना और भीम सेकंड के बीच में युद्ध हुआ, जिसको बोलते हैं आबू का युद्ध। तो आबू का युद्ध गुजरात की सेना और इसके मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में गौरी पराजित हुआ। तो जब गुजरात से भारत में एंट्री करने का रास्ता उसका बंद हो गया, उसको लगा था कि ये भीम सेकंड जो है वो समय बच्चा था, तो यही सोच करके उसने आक्रमण किया था। लेकिन उसकी मां नाइकी देवी ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। तो आबू के युद्ध में जब पृथ्वीराज, सॉरी, गुजरात के विरुद्ध ये गौरी हार गया, तो अब इसने सोचा कि अब गुजरात से भारत में प्रवेश नहीं हो सकता। भारत में प्रवेश का केवल एक ही रास्ता है, वो है पंजाब। पंजाब की ओर से मोहम्मद गौरी ने भारत पर एंट्री करना शुरू किया। तो इसके बाद ऐसा माना जाता है कि लगभग 1185 से ही मोहम्मद गौरी ने पंजाब पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। वो शुरू के जो आक्रमण थे वो केवल झड़पें टाइप थी, यानी सैनिकों का छोटा मोटा आपसी संघर्ष हुआ करता था। तो इसीलिए कई सारे जो है इतिहासकार वो ये मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य कुल 17 युद्ध हुए थे। उन 17 युद्धों का हम वर्णन नहीं मिलता, केवल वो अतिशयोक्ति लगती है कि 17 युद्ध हुए थे। लेकिन अगर उन 17 युद्धों को मान भी लें तो वास्तव में 17 युद्ध जो हैं उनमें से 15 युद्ध छोटी छोटी झड़पें थीं, जो 1185 से लेकर के और 1190 के बीच में हुए थे। इसके बाद 1191 और 1192, ये दो लगातार बड़े आक्रमण मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य पर किए थे। अब इन दोनों के बीच में संघर्ष जरूरी क्यों हुआ, उसके पीछे कारण इन दोनों का सीमा था। वो क्यों हुआ वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे यहां पर कहीं गजनी का साम्राज्य होगा, गजनी का साम्राज्य वर्तमान के मध्य एशिया में अफगानिस्तान में था। फिर इसके बाद राज्य था मुल्तान, और मुल्तानों के बाद फिर अगला राज्य था चौहानों का। चौहानों का जो साम्राज्य है वो भारत में पंजाब हरियाणा तक के भाग पे था। तो अभी हमने पढ़ा कि 1175 में गजनी के शासक ने मुल्तान को जीत लिया। तो मुल्तान को जीतते ही गजनी और मुल्तान की जो आपसी सीमा थी वो तो समाप्त हो गई। अब ये जो सीमा है वो सीधे आगे लग गई किससे? इस चौहान साम्राज्य से। चौहान साम्राज्य और मुल्तान के बीच में जो चौकी थी उसका नाम था सरहिंद या तबर हिंद। इस लड़ाई की शुरुआत यहीं से होती है जब गजनी के शासक मोहम्मद गौरी ने सरहिंद पर आक्रमण किया। और ये जो सरहिंद पर आक्रमण है ये उसका होता है 1191 में। तो 1191 में मोहम्मद गौरी ने सरहिंद पर आक्रमण किया। तो ये सरहिंद या तबर हिंद पर गौरी का हुआ आक्रमण कौन से वर्ष? 1191 में। गौरी के आक्रमण के बाद में जो है वो गौरी ने इसको जीत लिया। अब इसका सीधा असर हुआ कि अब गौरी जो है वो पृथ्वीराज चौहान को युद्ध की चुनौती दे रहा है, इसीलिए इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। वर्तमान में हरियाणा में एक जगह है, जिला है करनाल। उस करनाल में ही ये जगह थी तराइन।
तराइन में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य पहला बड़ा युद्ध हुआ। तो मोहम्मद गौरी के साथ संघर्ष में सबसे पहला जो बड़ा युद्ध था वो था 1191 का तराइन का युद्ध। पहला युद्ध 1191 तराइन का युद्ध दो शासकों के बीच में हुआ, पृथ्वीराज चौहान और दूसरा था मोहम्मद गौरी। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई, ये हम सब जानते हैं। और ये जो युद्ध था इसमें पृथ्वीराज चौहान को जो सेनापति था उसका नाम मिलता है चामुंडराय। तो इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति था चामुंडराय। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने बहुत कुशलता के साथ युद्ध किया था। चामुंडराय इसमें सैनिक संगठन बहुत अच्छा था, नेतृत्व अच्छा करता था, और इसका रिजल्ट ये रहा कि पृथ्वीराज चौहान इस पहले युद्ध में विजयी रहा। तो इस युद्ध का जो परिणाम है वो ये है, पृथ्वीराज की विजय। और मोहम्मद गौरी इस युद्ध में पूरी तरह से हो गया पराजित। गौरी की पराजय हुई, पृथ्वीराज चौहान जो है वो जीत गया। तो पृथ्वीराज चौहान की जब विजय हो गई उसके बाद पृथ्वीराज चौहान एक तरह से निश्चिंत हो गए कि अब तो मैं कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई समस्या नहीं आएगी। यही पृथ्वीराज चौहान की बहुत बड़ी गलती साबित हुआ। पृथ्वीराज चौहान को इस समय भागती हुई गौरी की सेना पर आक्रमण करना चाहिए था, जिससे कि गौरी की सेना का नुकसान और ज्यादा बढ़ता और पृथ्वीराज चौहान के मध्य अगली चुनौती नहीं आती। तो पृथ्वीराज चौहान ने गौरी के विरुद्ध ये जो संघर्ष की शुरुआत हुई थी उसमें गौरी को शायद छोटा सा आक्रमणकारी मान लिया। उसने मान लिया कि ये महमूद गजनवी जैसा होगा जो आएगा और चला जाएगा, पलट के आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन मोहम्मद गौरी महमूद गजनवी नहीं था। उसने दृढ़ इच्छा कर रखी थी कि वो भारत को जीत के बताएगा या भारत का साम्राज्य वो अपने नाम करेगा। इसीलिए जब दूसरा युद्ध शुरू होने वाला था तो पहला युद्ध और दूसरे युद्ध के बीच में लगभग एक वर्ष का समय, उस एक वर्ष के समय में पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य में मोहम्मद गौरी के गुप्तचर घूम रहे थे। मोहम्मद गौरी को इस बात का पहले से पता था कि पृथ्वीराज चौहान की क्या कमजोरियां हैं, उसके पास क्या उसकी शक्तियां हैं, कौन सी कमजोरियां हैं जिनकी वजह से पृथ्वीराज चौहान को वो हरा सकता है, कौन कौन सी समस्याएं फिलहाल वो फेस कर रहा है और क्या सही आक्रमण होगा, सही जो है आक्रमण का समय होगा। तो यही सब कुछ इस समय चल रहा था। मोहम्मद गौरी के जाने के बाद पृथ्वीराज चौहान अगले युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन मोहम्मद गौरी हारने के बाद भी अगले युद्ध की पूरी तरह से तैयारियां कर रहा था। तो 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। तो इस बार जो युद्ध हुआ वो थोड़ा सा भयंकर होने वाला था। तो यहां पर दूसरा युद्ध हुआ तराइन का, तो ये दूसरा है तराइन का दूसरा युद्ध 1192। इस बार भी शत्रु वही है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। लेकिन इस समय तक परिस्थितियां बहुत ज्यादा बदल चुकी थी। पृथ्वीराज चौहान की वीरता पर किसी को शक नहीं है, ना कोई ये मानता है कि वो कायर थे, ना कोई ये मानता है कि वो अच्छे संगठन नहीं कर सकते थे, सैनिकों को अच्छे से वो रणनीति नहीं बना सकते थे, वो सब बात ठीक थी। लेकिन इस समय पृथ्वीराज चौहान की नई नई शादी हुई थी संयोगिता के साथ। तो एक तो पृथ्वीराज चौहान की वो कमजोरी बार बार उभर के आ रही थी। मोहम्मद गौरी को गुप्तचरों से ये सारी की सारी सूचनाएं मिल चुकी थी। दूसरी बात, इस समय कोई भी ऐसा पड़ोसी राज्य नहीं था, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो चंदेल हो, चाहे वो गढ़वाल हो, जिनके साथ पृथ्वीराज चौहान का संघर्ष नहीं चल रहा हो। तो ये भी मोहम्मद गौरी जानता था कि कोई भी पड़ोसी राज्य पृथ्वीराज चौहान का साथ देने के लिए नहीं आएगा। तो वो दोनों ही बातें, अब पृथ्वीराज चौहान के साथी कोई भी पड़ोसी राज्य नहीं है, तो मोहम्मद गौरी ने क्या किया कि अपनी जो सेना है उसकी संख्या बढ़ा दी। पहली बार जब वो आया था तो उसको डर था कि कहीं ऐसा नहीं हो क्योंकि पड़ोसी राज्य जो है वो साथ दे, लेकिन इस बार वो निश्चिंत था कि क्योंकि सभी राज्यों के साथ उसका संघर्ष चल रहा है, सीमा के विवाद चल रहे हैं, हमने चंदेलों के साथ संघर्ष पड़ा, हमने गुजरात के साथ संघर्ष पड़ा, हमने गढ़वालों के साथ संघर्ष पड़ा, तो कोई भी पड़ोसी राज्य इस समय पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं देगा, ये वो तैयार था। गुप्तचर हर क्षण की सूचना मोहम्मद गौरी के पास पहुंचाते थे। मोहम्मद गौरी ने 1192 में फिर सेना इकट्ठी करी
और सेना इकट्ठी करके फिर वो सरहिंद की चौकी को जो है वो क्रॉस करके पहुंचता है उसी तराइन के मैदान में जो हरियाणा के करनाल जिले में। इस बार फिर से पृथ्वीराज चौहान जो अपनी सेना लेकर के पहुंच गया और मोहम्मद गौरी के सामने। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान दोनों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी जो है वो युद्ध की शुरुआत नहीं कर रहा। ना तो पृथ्वीराज चौहान युद्ध की शुरुआत कर रहे हैं और ना मोहम्मद गौरी युद्ध की शुरुआत कर रहे हैं। अब जब ये हुआ तो यहां पर मोहम्मद गौरी ने एक चाल खेली, और वो चाल क्या थी कि मोहम्मद गौरी ने अपना एक दूत जिसका नाम था शहाबुद्दीन, ये बात करने में बहुत चतुर था, तो ये शहाबुद्दीन जो है ये मोहम्मद गौरी का दूत था। अब गौरी ने क्या किया कि इसने शहाबुद्दीन को पृथ्वीराज चौहान के पास भेजा और बोला कि साहब हम आ तो गए लड़ाई लड़ने के लिए पर हमारा मन नहीं कर रहा, आप बहुत वीर हो, आप बहुत योग्य हो, आपका साम्राज्य भारत में सबसे बड़ा है इस समय और आपकी होड़ तो हम क्या करेंगे, तो हम जो है वो अपनी सेना वापस लेके जाना चाह रहे हैं। तो इतने दिनों में हमने मंथन किया है कि हमें आपसे युद्ध नहीं करना, हमें तो अपनी सेना यहां से वापस लेके जानी है। शहाबुद्दीन ने अपनी इस तरह की चिकनी चुपड़ी बातों में पृथ्वीराज चौहान को फंसा दिया। पृथ्वीराज चौहान को लगा कि अच्छा ये युद्ध करने के मूड में नहीं है तो फिर तो बढ़िया वापस चले जाएंगे यहां से, संयोगता की याद आ रही थी, जाना उनको था ही। तो पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया कि बोले ठीक है अगर तू युद्ध करने के मूड में नहीं है तो ऐसे कर, पहले तो अपनी सेना हटा, यानी लड़ाई लड़ने तू आया, मैं तो आया नहीं, तू मेरे साम्राज्य में घुसा है तो सबसे पहले तू अपनी सेना को यहां से हटा, जब तेरी पूरी सेना यहां से चली जाएगी उसके बाद मैं यहां से फिर जाऊंगा, उसके पहले तो मैं नहीं जाऊंगा, यानी मैं इस समय मैदान छोड़ के नहीं जाऊंगा, जब तक तू यहां से वापस नहीं जाएगा तब तक मेरी सेना का एक भी व्यक्ति, एक भी सैनिक इस मैदान को छोड़ के नहीं जाएगा। शहाबुद्दीन बोला ठीक है साहब, हम नहीं, हम तो एक एक करके अभी यहां से जाना शुरू कर रहे हैं। उसी दिन शाम को ही मोहम्मद गौरी की सेना ने फिर एक चाल खेली, और वो चाल क्या थी कि जैसे मान लीजिए ये जो मैदान है तराइन का वो कुछ इस प्रकार का होगा, अब इसमें मान लीजिए एक तरफ यहां पर तो गौरी की सेना खड़ी है और यहां पर चौहान सेना खड़ी है, अब इस मैदान के चारों तरफ जंगल था। गौरी की सेना ने क्या किया कि जैसे ही शाम ढली कुछ अंधेरा सा होना शुरू हुआ, गौरी के सैनिकों ने जलाई मशाल। मशाल आप जानते होंगे उस जमाने में रोशनी की व्यवस्था के लिए मशाल का उपयोग होता था। मशाल एक प्रकार का पेड़ होता है कोई जिसमें जिसकी लकड़ी से मशाल बनती थी, और ये लकड़ी इस प्रकार की होती है जो जलती नहीं है, तो उस लकड़ी में जो है वो मिट्टी का तेल या इस तरह की कोई चीज डाल करके उसको आग को जलाया जाता है। तो गौरी की सेना ने क्या किया, मशालें जलानी शुरू कर दी, तो चारों तरफ जो है वो हजारों मशालें जल गई गौरी की सेना में। फिर ये मशालें जो हैं वो इन्होंने पीछे की तरफ ले गए, यानी मशालें जलाई और गौरी की सेना इन मशालों को लेके गई पीछे जंगल की तरफ। अब जैसे जैसे वो जंगल की तरफ बढ़ते गए, चौहान पृथ्वीराज चौहान के सैनिक वहां से दूर इन सब सारी हरकतों को देख रहे थे, क्योंकि उनको यह था कि आज ये सेना वापस जा रही है, और वो शहाबुद्दीन ये बोल के आया था कि धीरे धीरे करके हम अपनी सेना को हटाएंगे, एक साथ तो नहीं हटा सकते, तो हम सेना जो है हमारी टुकड़ियों में वापस जाएगी। तो गौरी की सेना जो है उसने मशालें जलाई और मशालें जला के पीछे जंगल की तरफ ले गए। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब वो पीछे की तरफ जंगल की तरफ गए तो गौरी की सेना मशाल जलाती है, मशाल जला करके पीछे जंगल की तरफ जाती है और वहां जाकर उसको बुझा देती है, यानी जब तक उनको लग रहा था कि चौहान की सेना हमें नहीं देख पाएगी वहीं जाकर के उन्होंने आगे क्या किया, उन मशालों को जाके बुझा दिया। अब ये मशालें जो है आगे जाके बुझ गई, ये सेना वापस आ गई। तो ये जो नाटक है वो पूरी रात करते रहे, यानी मशालें जलाते पीछे जंगल की तरफ ले जाते और आगे जाके बुझा के ये सेना अंधेरे में वापस आ जाती। तो यहां जो चौहान सैनिक जो पहरेदार होंगे, क्योंकि बाकी लोग तो सो रहे होंगे, जो पहरेदार होंगे उन्होंने सबको ये सूचना दे दी कि ये सेना आज वापस जा रही है और कल सुबह हम सबके सब तैयार होकर अपने घरों को वापस पहुंच जाएंगे, घर जाके मम्मी पापा के पास जाएंगे, मम्मी के हाथ की रोटी खाएंगे। तो चौहान सैनिक जो है वो पहले से तैयार बैठे थे कि अब तो युद्ध होगा नहीं, हमें अपने घर वापस जाना है। लेकिन मोहम्मद गौरी की चाल को ये लोग नहीं समझ पाए, क्योंकि गौरी की सेना में कोई भी पृथ्वीराज चौहान का गुप्तचर नहीं था, लेकिन
चौहानों के सेना में मोहम्मद गौरी के गुप्तचर थे जो हर बात की सूचना मोहम्मद गौरी के पास पहुंचा रहे थे। यदि पृथ्वीराज चौहान की सेना में कोई गुप्तचर इनका सॉरी गौरी की सेना में पृथ्वीराज चौहानों का गुप्तचर होता तो शायद ये जो दुर्दशा होने वाली थी चौहान सेना की वो नहीं हो पाती। लेकिन भाग्य का खेल, चौहान सेना जो है वो निश्चिंत हो गई कि अब तो युद्ध होगा नहीं, हमें अपने घर जाना है। तो चौहान सेना जो है बिल्कुल सुबह उठी आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई, और इसके बाद वो लोटा लेके जंगल की तरफ जा रहे थे फ्रेश होने के लिए। अब हम क्या मानते हैं कि शस्त्र जो है वो ईश्वर है, हम दशहरे के दिन शस्त्रों की पूजा भी करते हैं। तो जब ये चौहान सेना पीछे की तरफ जा रही थी जंगल में फ्रेश होने के लिए लोटा वोटा लेकर के, उस समय उनके पास कोई हथियार नहीं था, यह बात भी गौरी की सेना को पता थी। तो उसी समय सुबह सुबह 4-5-6 बजे के आसपास जब हल्का सा अंधेरा था, इस गौरी की सेना ने अचानक चौहान सेना पर आक्रमण कर दिया। अब एक तो उस समय सुबह सुबह नींद से जगे, पहला रीजन, दूसरा हथियारी पास में नहीं थे, तो यह चौहान सेना जो है वो तुरंत तितर बितर हो गई। अब चौहानों की सेना के पास भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं, तो एक एक करके सारे के सारे सैनिक जो है वो जंगल की तरफ छुपने के लिए भागने लगे, और पृथ्वीराज चौहान को भागते हुए मोहम्मद गौरी के सैनिकों ने पकड़ लिया। लेकिन इस युद्ध में मेवाड़ का एक शासक समर सिंह शहीद हुआ। तो इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ दे रहे थे मेवाड़ के शासक समर सिंह, वो समर सिंह जो है वो इस युद्ध में शहीद हुए। तो तराइन के युद्ध में मेवाड़ के शासक समर सिंह की मृत्यु हुई। ये पॉइंट आपको लिखना है कि तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के साथ मेवाड़ के शासक समर सिंह की मृत्यु हुई। तो चौहानों के साथ थे मेवाड़ के शासक समर सिंह, तो समर सिंह की युद्ध में मृत्यु हुई, पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया गया। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान का क्या हुआ, क्यों हुआ, ये कुछ नहीं पता। यानी यहां से आगे जो है वो फिर एक इतिहास का रहस्य है। अब उसमें अलग अलग पुस्तकों में कुछ अलग अलग वर्णन मिलते हैं। कुछ ये मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को मार दिया, कुछ मानते हैं कि गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। अब हुआ क्या ये अपने आप में एक रहस्य है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के इसके आगे की जो कहानी है वो अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग मिलती है। अब किस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है ये मैं आपको अभी बताता हूं। तो दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो यह भारत के इतिहास में हुआ। फिर इसके बाद ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर गजनी ले गया। अब यहां पर दो पुस्तकों के बारे में ज्यादा आता है। पहली पुस्तक जो है वो है चंदबरदाई द्वारा लिखी गई पुस्तक पृथ्वीराज रासो। चंदबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान थे, दरबारी साहित्यकार थे और जाति से वो चारण थे। राजस्थान में चारण साहित्य की शुरुआत करने वाले चंदबरदाई को ही माना जाता है। चंदबरदाई जो है वो इस पुस्तक में खुद को पृथ्वीराज चौहान का बाल सखा बताते हैं। यानी दोनों के दोनों जो है वो बचपन में साथ खेले और पढ़े थे। और इसी पुस्तक में मिलता है कि चंदबरदाई का वास्तविक नाम पृथ्वीराज भट्ट था। तो चंदबरदाई तो उनको साहित्यिक नाम माना जाता है, असली नाम जो था वास्तविक नाम वो था पृथ्वीराज भट्ट। यह पुस्तक पृथ्वीराज रासो ये हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य माना जाता है। ये हम जानते होंगे शायद हिंदी साहित्य में डिंगल पिंगल की जो बोलियां थी उनका यह पहला साहित्य है। तो पृथ्वीराज रासो में चंदबरदाई ये कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान दूसरे तराइन के युद्ध में हार गए, हारने के बाद में गौरी उनको बंदी बना करके गजनी ले गया। तो जब वो गजनी पहुंचा तो पृथ्वीराज चौहान जो हैं वो घूर घूर के गजनी को उसको गौरी को देख रहे थे गुस्से में। तो गौरी बोला कि ओए अपनी आंख नीचे कर। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि मैं राजपूत हूं, मैं मर जाऊंगा लेकिन आंखें नहीं झुकाऊंगा तेरे सामने, क्योंकि तू जो है वो गलत है, तूने युद्ध के नियमों का उल्लंघन करके मेरे को धोखे से बंदी बनाया। तो इस बात पर गौरी को गुस्सा आ गया और गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी। तो पृथ्वीराज चौहान जो है वो अंधे हो गए थे। अब अंधे होकर के व्यक्ति कैसे बदला ले, कैसे वो कार्य करे, ये एक समस्या थी। चंदबरदाई जो है वो वेश बना करके फकीर के वेश में गजनी पहुंचते हैं। गजनी पहुंचने के बाद में उन्होंने वहां के लोगों से सुना कि किस प्रकार से
ये जो शासक है यहाँ का गौरी, वो एक राजा को बंदी बना के लाया और उसकी आंखें फोड़ दी। अब बचपन के मित्र थे, दुख हुआ बहुत ज्यादा, वो धीरे धीरे करके जो है वो गौरी के दरबार तक पहुंचे। गौरी के दरबार में जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पृथ्वीराज चौहान को जंजीरों में बांध करके जकड़ के रखा हुआ है और पृथ्वीराज चौहान एक तरह से निशा अवस्था में खड़े हुए हैं। तो इन्होंने कुछ बातें करना, जोर जोर से बोलना शुरू किया। पृथ्वीराज चौहान अपने बचपन के मित्र की आवाज जो है वो पहचान गए और पृथ्वीराज चौहान ने मुस्कुराए कि चलो अब तो शायद कुछ मेरे संग अच्छा हो जाएगा। तो वो जो फकीर बना हुआ चंदवरदाई था वो गौरी को बोलता है कि भाई महाराज झांपना सुल्तान, आपने इसको बंदी तो बना लिया लेकिन आपको इसकी एक विशेषता नहीं पता। बोला क्या? बोला इसकी विशेषता है कि ये व्यक्ति शब्द भेदी बाण चला सकता है। बोला वो क्या होता है? कि शब्द भेदी बाण का मतलब है कि जहां से आवाज आएगी ये उस दिशा में जो है वो तीर चला सकता है। भारतीय इतिहास में या पुराण में और इतिहास में केवल दो व्यक्ति इस प्रकार के माने जाते हैं जो शब्द की आंख बंद करके भी केवल शब्द पे या आवाज की दिशा में तीर चला सकते थे और उनका एकदम सटीक निशाना होता था। ऐसा एक तो नाम मिलता है अयोध्या के शासक दशरथ का। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि श्रवण कुमार को वो केवल पानी की आवाज के आधार पर उन्होंने तीर चला के गलती से मार दिया था। और दूसरा नाम आता है पृथ्वीराज चौहान का, कि पृथ्वीराज चौहान को भी जो है वो शब्द भेदी बाण चलाना आता था। तो पृथ्वीराज चौहान खुश हुए, बोले ठीक है चलो अब तो शायद इसको मारने का मौका मिल जाएगा। लेकिन समस्या क्या थी कि एग्जैक्ट लोकेशन पृथ्वीराज चौहान को नहीं पता थे। यदि उन्होंने गौरी का दरबार पहले से देखा होता तो शायद वो अंदाजे से जो है वो तीर चला सकते थे, लेकिन वो पहली बार ही दरबार में आए थे और जब आए तो आंखें फूट चुकी थी, दिखता कुछ था नहीं। तो किस आधार पर वो उसको तीर को चलाएंगे? तो हुआ क्या कि जब उनके हाथ खोल दिए गए पृथ्वीराज चौहान के और उनको धनुष बाण दिए गए कि भाई दिखा तू कैसे तीर चलाता, तो चंद्रवरदाई जो फकीर वेश में था बोलता है कि साहब आप ऐसा करना कि आप बोलना चलाओ और ये तुरंत तीर चला देगा। तो आवाज की दिशा में बिल्कुल सटीक निशाना मारे गए। तो पृथ्वीराज चौहान तैयार थे लेकिन समस्या आ रही थी लोकेशन की। बचपन के मित्र की बात चंद्रवरदाई समझ गया और चंद्रवरदाई ने वहां पर एक दोहा बोला। वो दोहा था 8 बांस 24 गज अंगुल अस्त्र प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। 8 बांस 24 गज, ये जो है 8 बांस जो है ये तो दूरी है, तो 8 बांस जो है वो दूरी थी पृथ्वीराज चौहान से और मोहम्मद गौरी की। फिर 24 गज जो है वो ऊंचाई थी उसके सिंहासन की, सिंहासन से लेकर के उसके सिर तक की जो ऊंचाई थी वो 24 गज थी यूं, और उसके ऊपर भी अंगुल अष्ट का मतलब है ये, जैसे ये 4 उंगलियां ये और 4 उंगलियां ये 8 उंगलियां। तो ये इस प्रकार से 8 उंगलियां को उसने बोला कि 8 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान की भावनाओं को समझ करके ये दोहा बोला और गौरी की एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो उसमें दे दी। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाया, वो तीर सीधा जाके लगा मोहम्मद गौरी के सिर में और मोहम्मद गौरी वहीं पर खत्म हो गया। तो चंद्रवरदाई जो है वो ये तो कहता है कि यहां इस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मार दिया, और उसके बाद फिर वो कहता है कि इसके बाद क्या हुआ कि उस फकीर बने चंद्रवरदाई के पास एक कटार भी थी। चंद्रवरदाई ने वो कटार पहले जाके पृथ्वीराज चौहान के चलाई और पृथ्वीराज चौहान को मार दिया, क्योंकि वो इस बात को जानते थे कि अब ये क्या करेंगे, ये सारे के सारे सैनिक ये पृथ्वीराज चौहान को पर अत्याचार करेंगे, उनका शोषण करेंगे और उनको यातनाएं देकर के मारेंगे। उससे अच्छा है कि झटके से इन्हें खत्म किया जाए और फिर उसके बाद वो मुझे भी मारेंगे क्योंकि मैंने लोकेशन बताई है। तो उसके बाद उन्होंने खुद को खत्म कर लिया। तो पृथ्वीराज रासो की ये जो अंत है वो ऐसे होता है कि चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को भी मार दिया और खुद को भी मार दिया। आज भी गजनी में पृथ्वीराज चौहान की समाधि है। अब कुछ लोग उसको गजनी मानते हैं, कुछ लोग उसको काबुल मानते हैं। काबुल में भी पृथ्वीराज चौहान की समाधि बनी हुई है। तो काबुल और गजनी दोनों जगह पृथ्वीराज चौहान की समाधियां हैं। तो ये तो बोला है चंद्रवरदाई ने इस पूरी कहानी को। इसके बाद दूसरा जो पुस्तक है वो लेखक हैं जयानक। जयानक की पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज विजय। ये जयानक भी चंद्रवरदाई की तरह से पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान थे। जयानक ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज विजय में लिखा है कि दिल्ली की बात थी,
दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने बंदी बना के रखा हुआ था और रोज पृथ्वीराज चौहान के सामने अपना दरबार लगाता था। वो पृथ्वीराज चौहान को उसने रखा इस प्रकार से था कि जहां वो बंदी थे वहां से सामने उनको जो है वो उसका मोहम्मद गौरी का दरबार और सिंहासन दिखता था। पृथ्वीराज चौहान बहुत दुखी होते थे। पृथ्वीराज चौहान का एक सैनिक था जिसका नाम वो लेते हैं महेश। महेश को पृथ्वीराज चौहान ने बताई और वो महेश जो है वो बाद में गौरी की अधीनता स्वीकार करके गौरी की सेवा में चला गया था। महेश को पृथ्वीराज चौहान जानते थे। पृथ्वीराज चौहान ने महेश को बोला कि भाई मैं बहुत दुखी हूं कि मेरे सिंहासन पर यह बैठा हुआ है, इसने धोखे से मेरे को यह बंदी बनाया और यह मेरे सिंहासन में बैठ के राज कर रहा है, और तू कुछ ऐसा कर दे कि मैं इसको मार दूं। तो बोला क्या करूं? बोले तू धनुष बाण ला के दे दे, मैं उसको मारना चाहता हूं। महेश ने छुप के जो है वो पृथ्वीराज चौहान को धनुष बाण दिए और पृथ्वीराज चौहान ने वहीं से तीर चला करके मोहम्मद गौरी को मार दिया। तो दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मारा, ये तो बोलते हैं जयानक। और चंद्रबरदाई कहते हैं कि गजनी में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मारा। ये जो दो पुस्तकें हैं ये दोनों ये कह रही हैं कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने मार दिया। तो एक तो है ये हमारा समकालीन साहित्य, दूसरा तराइन के युद्धों का वर्णन इन दोनों में तो मिलता ही है, हालांकि आगे की कहानी कुछ अलग है। इसके अलावा कुछ ग्रंथ और हैं जो बाद में फारसी साहित्य में लिखे गए, उनमें भी पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध हुए इन युद्धों की कहानी है। तो उसमें पहला लेखक है हसन निजामी। हसन निजामी की पुस्तक है ताजुल मासिर। इस पुस्तक में भी तराइन के युद्धों का वर्णन है। ताजुल मासिर के बाद चौथी पुस्तक है मुंतखबुल लुबाब। ये मुंतखबुल लुबाब जो पुस्तक है वो है सरहिंदी की। तो हसन निजामी की ताजुल मासिर और सरहिंदी की मुंतखबुल लुबाब, इन दोनों पुस्तकों में भी तराइन के युद्धों का वर्णन मिलता है। अब ये दोनों जो पुस्तकें हैं वो ये कहती हैं कि पृथ्वीराज चौहान को जो है वो गौरी ने मार दिया। तो यहां तो कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को मारा और ये दोनों पुस्तकें कहती हैं कि गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। अब ये विरोधाभास हो गया इन दोनों में। तो अब इसका प्रमाण कुछ पुरातत्व से मिलता है। पुरातत्व में दिल्ली और अजमेर में कुछ ऐसे सिक्के मिले हैं जिन सिक्कों पर एक तरफ तो गौरी का नाम है और एक तरफ पृथ्वीराज चौहान का नाम है। मोहम्मद गौरी जो है उसने भारत में पहली बार लक्ष्मी प्रकार के सिक्के चलाए थे, यानी उसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी जो है जिनकी हम दिवाली को पूजा करते हैं उनका चित्र मिलता है, तो उनको लक्ष्मी प्रकार के सिक्के कहते हैं। उस प्रकार के सिक्कों पर एक तरफ मोहम्मद गौरी का नाम है, एक तरफ पृथ्वीराज चौहान का नाम है। यदि हम ये मान लें कि पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को मार दिया होता तो इस प्रकार के सिक्के नहीं मिलते, या गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया होता तो भी इस प्रकार के सिक्के नहीं मिलते। तो कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब इसमें फैक्ट यहां पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम यहां से आगे जो है उस रहस्य को नहीं जानते। तो कुछ मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान शहीद हुए, कुछ मानते हैं गौरी को मार दिया, और कुछ मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली। तो ये सब हुआ। तो ये हमने पढ़ा पूरा पृथ्वीराज चौहान के बारे में। अब पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान, अगला पॉइंट है अपना पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वानों में पहला चंद्रबरदाई, इसकी पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो, वास्तविक नाम था इसका पृथ्वीराज भट्ट। दूसरा लेखक है जयानक, इसकी पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज विजय। इसके अलावा कुछ और, लेकिन हमें इनकी पुस्तकों की जानकारी नहीं है। जैसे एक नाम आता है विद्यापति गॉड, एक नाम आता है वागीश्वर। तो विद्यापति गॉड, वागीश्वर, इसके अलावा जनार्दन, ये सभी पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान थे। इसमें पृथ्वीराज रासो ये हिंदी भाषा में लिखी गई है और पृथ्वीराज विजय ये संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक है। तो मुख्य रूप से जो इनके दरबारी विद्वान हैं वो हैं चंद्रबरदाई और जयानक।
फिर इसके बाद है पृथ्वीराज चौहान के निर्माण कार्य। पृथ्वीराज चौहान के निर्माण कार्य, निर्माण कार्यों में पहला एक किला है जिसका नाम है राय पिथौरागढ़। ये राय पिथौरागढ़ का जो नाम का किला है ये बनाया था इन्होंने दिल्ली में। तो दिल्ली में राय पिथौरागढ़ के नाम से इन्होंने किले की स्थापना की थी। फिर इसके बाद है इनकी उपाधियां। उपाधियों में एक इनका नाम मिलता है राय पिथौरा, दूसरी एक उपाधि मिलती है दल पुंगल। दल पुंगल शब्द का अर्थ है विश्व विजेता। तो पृथ्वीराज चौहान की दो उपाधियां हैं राय पिथौरा और दल पुंगल। दल पुंगल का जो अर्थ मिलता है वो है विश्व विजेता। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल की एक बड़ी जो घटना है इनके अलावा, वो एक बड़ी घटना यह है कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का आगमन हुआ। अजमेर में जो है वो आए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अब चिश्ती जो है वो क्या है, भारत में मध्यकाल में ईश्वर और अल्लाह इनकी पूजा या उपासना के लिए एक धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। हिंदू धर्म का जो धर्म सुधार और समाज सुधार आंदोलन है उसको बोलते हैं भक्ति आंदोलन, और मुस्लिम धर्म का जो धर्म सुधार आंदोलन है उसको बोलते हैं सूफी आंदोलन। तो ये भारत में सूफी आंदोलन की शुरुआत थी। सूफी आंदोलन का अर्थ क्या, धर्म की कट्टरता को समाप्त करके धर्म में ईश्वर के लिए प्रेम जो है उसको महत्व देना। तो सूफी आंदोलन की शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा की गई थी, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान के समय में ही अजमेर में आके बस गए थे। ये हम जानते हैं कि इनकी दरगाह जो है वो अजमेर में ही है। तो सूफी आंदोलन की शुरुआत करने वाले थे कौन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और इनकी दरगाह कहाँ है, अजमेर में। तो ये हमने पूरा ब्यौरा पढ़ा पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जो भारत के बहुत महत्वपूर्ण शासक हैं, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के साथ ही भारत में प्राचीन काल की भी समाप्ति होती है, और प्राचीन काल के बाद ये तराइन का जो दूसरा युद्ध है ये एक तरह से भारत में माइलस्टोन है कि इससे पहले का जो टाइम है उसको हम बोलते हैं प्राचीन काल, और इसके बाद का जो टाइम है उसको बोलते हैं मध्यकाल। तो ये भारत में मध्यकाल की शुरुआत भी मानी जाती है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे रणथंभौर के चौहानों के बारे में, जिनमें मुख्य शासक थे हमीर देव चौहान, और हमीर देव चौहान द्वारा किए गए बलिदान की कहानी। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।